पेज नंबर 22 रिव्यू एक्सरसाइज मेंशन किया हुआ है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड z इज इक्वल टू इस प्रॉपर्टी को याद रखना अभी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन मैंने बताया था पहले एमसीक्यूज है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आप अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो अगर आप उसके एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस निकालो मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकालो या आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो या आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो इन सब का मॉडुलस सेम ही होगा मतलब चार चीजें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर उसका एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स इन चारों चीजों का जब आप मॉडुलस निकालोगे तो बराबर ही होगा तो वर्क कैसे करता है क्योंकि मॉडुलस में अगर आपको याद हो तो स्क्वायर आता है अब स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो इनमें इन सब ऑपरेशन में हो क्या रहा है कभी कोई पॉजिटिव है कभी कोई नेगेटिव है वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा साइन पे फर्क पड़ रहा है मतलब एडिटिव इनवर्स में क्या होगा दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे कॉन्जुगेट में क्या होगा इमेजिनरी का साइन नेगेटिव हो जाएगा तो जस्ट साइन पे फर्क पड़ रहा है जो मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस तो स्क्वायर कर देगा अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा दैट्स व्हाई चारों चीजों का मॉडुलस बराबर होता है तो ये चीज उन्होंने पूछी भी है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है तो आपने लगाना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सब ठीक है यहाँ पे टू में बोला Z1, Z2 और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये वही ट्राइंगल इनक्वायरिटी आपसे पूछी ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो यहाँ पे ठीक है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है वो लेस होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस ऑप्शन नंबर डी गलत है इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें इक्वालिटी नहीं लिखी हुई लेस देन तो लिखा हुआ लेकिन इक्वल का नहीं लिखा हुआ और ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो अलग है थोड़ा थ्री में आपको बोला हुआ है इफ जेड इज इक्वल टू थ्री आयोटा माइनस फोर इफ जेड इज इक्वल टू थ्री आयोटा माइनस फोर आपको बोला मैं क्या करो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट निकालो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट सबसे पहली बार जेड तो आपके पास है जरा जेड कॉन्जुगेट निकालो बच्चों को लगता है कि कॉन्जुगेट निकालने का मतलब दरमियान का साइन चेंज करो ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर में सही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में दरमियान का साइन चेंज नहीं करते कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी का साइन चेंज करते हो तो जब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जो इमेजनरी है उसका साइन चेंज कर दो ठीक है अब आप क्या करो z को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करो ये है z और ये है इसका कॉन्जुगेट तो 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा कैंसिल माइनस 4 माइनस 4 क्या होता है माइनस 8 तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है पार्ट नंबर 4 में बोला गया अगर a ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है और b लेस देन 0 है देन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे देखो जब a पॉजिटिव है b नेगेटिव है जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0 होगा तो जो ऑप्शन नंबर b है ना वो यहाँ पे ठीक है ए बी जो है वो लेस देन 0 होगा फाइव में बोला n is an even integer. Even integer का मतलब 2, 4, 6 या negative भी हो सकता है minus 2, minus 4, minus 6, minus 8. Then iota की power n is equal to. तो वो कह रहे हैं कि iota की power n किसके बराबर होगी याद रखो अगर n even है n even का मतलब iota square, iota 4, iota 6, iota 8. तो जब भी n even होगा तो iota का आंसर क्या होगा इसमें निकाल के देख लेते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है आयोटा फोर वन होता है ठीक है अच्छा आयोटा सिक्स अगर आप निकालोगे ना तो आयोटा सिक्स माइनस वन होगा निकाल के देखना जो मैंने तरीका बताया था अभी थोड़ी देर पहले इस तरह आयोटा की पावर एट निकालोगे तो आंसर वन आएगा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो इसी तरह आयोटा की पावर टेन निकाल लो इवन आप नेगेटिव भी निकालो तो यही होगा फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर माइनस एट कैसे निकालोगे इसको शिफ्ट करो डिनोमिनेटर में ठीक है उसके बाद सॉल्व करो आयोटा की पावर एट को ब्रेक कर सकते हो इस तरीके से आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है माइनस वन की पावर फोर वन हो जाएगा तो इस पूरी चीज का आंसर वन हो जाएगा तो कहने का मतलब ये कि आयोटा की पावर एट हो या आयोटा की पावर माइनस एट हो आंसर वन ही आता है तो कहना मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आयोटा की पावर में कोई इवन इंटीजर होगा तो आपके पास आंसर या तो वन आएगा या माइनस वन आएगा आप देख लो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे ठीक है देखो जब आपके पास कोई इमेजनरी नंबर ही नहीं है तो उसके कॉन्जुगेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट भी यही होगा
कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और उसमें फर्क उस वक्त आएगा ना जब उसका इमेजनरी पार्ट कुछ ना कुछ होगा। अगर उसका इमेजनरी है ही नहीं, जस्ट रियल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में कोई फर्क ही नहीं होगा, उसका कॉन्जुगेट भी एक्स के बराबर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पार्ट नंबर सेवन में बोला माइनस वन की पावर माइनस 21 अपॉन 2, देखते कैसे सॉल्व करना है। माइनस वन की पावर माइनस 21 अपॉन, सबसे पहले आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे कि देखो 21 अपॉन 2 ऐसी कोई पावर नहीं आपने सॉल्व की थी, इंटीजर हो तो आपको पता है किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन 21 अपॉन 2 इंटीजर तो नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं इस तरह लिखते हैं, एक सेकेंड। मैंने जो माइनस 21 अपॉन 2 है इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 21 अपॉन 2 को ब्रेक किया, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 21, बात तो एक ही अलजेब्रा का रूल है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये करने से फायदा क्या हुआ, माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2 का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यही मतलब है ना, 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2 का मतलब क्या बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर रूट। माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा के बराबर, इसका मतलब ये अंदर पूरी चीज लिखी हुई है, आयोटा लिखा हुआ, ये असल सवाल है, मतलब आपको यहाँ पे जस्ट निकालना है आयोटा की पावर माइनस 21, ये सवाल है आपका। तो मैंने बताया नेगेटिव को कैसे निकालते हैं, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, आयोटा की पावर 21 हो जाएगा, 2 की फॉर्म में ब्रेक करो, आयोटा की स्क्वायर की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 की पावर 10 पॉजिटिव 1, तो ये हो जाएगा 1 को आयोटा से करो आयोटा, याद रखना 1 अपॉन आयोटा जो है ना वो बराबर होता है माइनस आयोटा के। सवाल है कि 1 अपॉन आयोटा आपको ऑप्शन में नजर नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा की कोई भी पावर हो ना आंसर 4 होने चाहिए, या तो आयोटा 1 माइनस 1 माइनस आयोटा, इन चार में आपका आंसर आना चाहिए, तो 1 अपॉन आयोटा को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन आयोटा को ऐसे सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये पूरा आंसर है, तो 1 अपॉन आयोटा को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सॉल्व किया तो एंड पे माइनस आयोटा आ रहा है, तो देख लो ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। लिखा हुआ है इफ z इज इक्वल टू 0,1 देन z स्क्वायर, कंडीशन है कि अगर z जो है वो 0,1 है, ये 0,1 को 0,1 का मतलब क्या है, 0,1 का मतलब है 0 प्लस आयोटा, 1 आयोटा कह लो या आयोटा कह लो एक ही बात है ना, 0,1 का मतलब 0 प्लस 1 आयोटा, जिसको अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट आयोटा लिख दो, एक ही बात है, 0 प्लस आयोटा लिखो या खाली आयोटा लिखो बात तो एक ही है ना, तो ये असल में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना वो सिंपल आयोटा गिवन है, और आपको बोला हुआ क्या है आप यहाँ पे निकालो जेड स्क्वायर, जेड बराबर है आयोटा के, तो जेड स्क्वायर बराबर होगा आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। 9 में बोला हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, आप ये बोल सकते हो इसका कॉन्जुगेट ये है, आप बोल सकते हो इसका कॉन्जुगेट ये है, तो जब दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, रिजल्ट में आपके पास रियल नंबर आता है, कैसे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ए को ए से करो ए स्क्वायर, ए को माइनस बी आयोटा से करो माइनस ए बी आयोटा, बी आरटा को ए से करो ए बी आरटा, बी आरटा को माइनस बी आरटा से करो तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर आरटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है आरटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो रिजल्ट में आरटा खत्म, जस्ट रियल नंबर आपके पास आ रहा होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ऑलवेज अ रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर होगा। पार्ट 10 में बोला गया रियल पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका रियल पार्ट आपको बताना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, आप इसको डायरेक्ट आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ब्रेक करके भी कर सकते हो, तब भी आपको पता चल ही जाएगा, वैसे इसका रियल पार्ट 1 है, क्योंकि जब आप एलसीएम ब्रेक करोगे तो आंसर 1 आ रहा है इसका रियल पार्ट में, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको करवा देता हूँ ताकि आपको इमेजिनरी पार्ट भी पता चल जाए रियल पार्ट भी पता चल जाए, वो ये कि जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सही, आयोटा को 2 से करो तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से करो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, अच्छा जी आयोटा इंटू आयोटा ही होगा आयोटा स्क्वायर,
तो सॉल्व करो आर टू स्क्वायर माइनस वन होता है, ऊपर है माइनस वन प्लस टू आर टू, जबकि नीचे है आर टू स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो वन माइनस टू आर टू। इस तरह भी कर सकते हो या इसका डायरेक्ट तरीका भी है कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एलसीएम ब्रेक कर दो, इस तरह टू अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा तो क्या होता है वन के बराबर। टू अपॉन आयोटा कैसे लिखोगे आप, टू को अपनी जगह पे लिखो, वन अपॉन आयोटा क्या होता है अभी बताया था, वन अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो ऐसा लिख दो, एक ही बात है, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। खैर अगर आप देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल क्या है वन है और इमेजिनरी क्या है माइनस टू, तो रियल का आपसे पूछा हुआ था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ठीक है। 11 में आपको बोला हुआ है द प्लेन ऑन व्हिच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे ड्रॉ करते हैं ना उस प्लेन को आप कहते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसका एक और नाम होता है आर्गियन डायग्राम या आर्गियन प्लेन भी बोलते हैं, आर्गियन प्लेन भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, दोनों ठीक है। 12 में बोला हुआ है द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जो मॉडुलस के आंसर में आपको वैल्यू मिलती है ना जब आप स्क्वायर रूट करके मॉडुलस निकालते हो, तो वैल्यू बेसिकली आपको बताती है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो ये चीज लिखी हुई है द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। पार्ट नंबर 13 में आपको z1 z2 की वैल्यू दी हुई है और आपको बोला हुआ है कि मालूम करो z1 मल्टीप्लाई z2 का मॉडुलस, तो इसका मतलब वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि z1 और z2 को पहले आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मैंने बताया बड़ा इजी है मल्टीप्लाई करना, बहुत दफा हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को, कहीं किया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे किया था कि मल्टीप्लाई, हाँ इस तरह आप मल्टीप्लाई करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको आपको मॉडुलस देना होगा। चलो मैं बता देता हूँ, इतना बड़ा सवाल है नहीं से, अच्छा z1 है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 है 1 माइनस आयोटा, आपको निकालना है z1 z2 का मॉडुलस, मतलब पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा इसके ये इसके बराबर भी होता है z1 मल्टीप्लाई z2, इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप z1 और z2 का मॉडुलस निकालो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक ही बात है आप ये वाला काम कर लो जो उन्होंने बोला है आपको, z1 z2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा क्या लिखा हुआ है ना, 2 1 जा 2, 2 को माइनस आयोटा से करो माइनस 2 आयोटा, अच्छा 3 आयोटा को 1 से करो 3 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से करो तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 प्लस 3 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है z1 z2 मल्टीप्लाई करने के बाद इनका मॉडुलस लेना था, मॉडुलस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा के साथ 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आंसर हो जाएगा रूट 26, ऑप्शन नंबर बी। 14 में आपको बोला हुआ है इफ x प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस अगर 3 के बराबर है तो x की वैल्यू बताओ, x प्लस 5 आयोटा का अगर मॉडुलस 3 के बराबर है तो x आपको बताना है, वैसे इसमें x की वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका आसान तरीका है कि आप मॉडुलस निकाल लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर 5 का स्क्वायर ओवर 25, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, यहां से रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर 25 को ले जाओ, 9 माइनस 25 क्या होता है, 9 माइनस 25 होता है माइनस 16, यहां से x की वैल्यू निकालो प्लस माइनस रूट माइनस 16 और रूट माइनस 16 क्या होगा 4 आएगा, 16 का रूट 4 और माइनस 1 का रूट आयोटा होता है। यार डेडिकेशन लेवल देखो, मैं इस वक्त वॉशरूम में हूँ, आवाज़ से आप लोगों का आइडिया हो सकता है, और असल में मैं एडिटिंग कर रहा था 4 बजे, रात के 4 बज रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी एक्सप्लेनेशन और देना बनती है उस पर, तो मैं आ गया इधर वॉशरूम में, उनके रूम में वाइफ सो रही है, मैंने कहा आवाज़ आएगी तो जाग ना जाए कहीं वो, तो खैर अब ज़रा सवाल को समझ लेते हैं। 4 आयोटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखो इसका मतलब ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे ना, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर आएगा प्लस माइनस 4 आयोटा, ये 4 आयोटा जो है ना ये आपकी इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और हमने असल में इसको सेटिस्फाई करवाना है, इसको नहीं करवाना। आप ज़रा इस बात को लॉजिकल समझो कि जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो आप ट्रीट कर रहे थे कि जो एक्स है ये पूरा रियल है और जो 5 आयोटा है ये इमेजिनरी है, यही तो आपने ट्रीट किया था, और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी था 5 इमेजिनरी पार्ट उसका आपने स्क्वायर किया था, तो यहाँ आपने एज्यूम किया था कि एक्स रियल है, जबकि आंसर जो आपने निकाला है उसमें एक्स इमेजिनरी आ रहा है, तो ये तो मेक सेंस ही नहीं कर रहा,
वो इसलिए मेक सेंस नहीं कर रहा कि आपने ये हरकत की है, और जब आप 4 आयोटा यहाँ पे पुट करोगे एक्स की जगह पे, तो 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा ये क्या हो जाएगा, 9 आयोटा, और 9 आयोटा का मॉडुलस 3 तो होता ही नहीं है, उसका मॉडुलस तो 9 होगा। और अगर आप -4 आयोटा पुट करोगे तो -4 + 5 ये हो जाएगा आयोटा, और आयोटा का मॉडुलस तो सिंपल 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि आपने एक्स ऊपर ट्रीट किया है रियल, जबकि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक्स इमेजनरी आया है, और आपने कहा वही आंसर है। ये मिस्टेक बहुत से सॉल्यूशन के अंदर हो रही है। तो करेक्ट तरीका क्या होगा कि भाई ये तरीका तो नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन को आपने स्क्वायरिंग की है, और जब स्क्वायरिंग करते हो तो ऐसे आंसर आ जाते हैं कि जो ओरिजिनल इक्वेशन को या कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। और अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको बात समझ आ जाएगी कि कोई भी रियल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी रियल का जब स्क्वायर करोगे तो वो 25 के अंदर ऐड होगा, और 25 के अंदर कोई भी नंबर ऐड होगा तो 3 आंसर कैसे आ सकता है उसका। तो दैट्स वाई ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट इसका सॉल्यूशन है -2 आयोटा, लेकिन ये ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा आपको, तो नन ऑफ दीज ही यहाँ पे ठीक है। और ये -2 आयोटा कब होगा, एक तो मेक सेंस कर रही है बात कि यार आप इस पूरी चीज़ को 3 कर दो, 3 आयोटा, 3 आयोटा कैसे करोगे, एक्स की जगह पे -2 आयोटा पुट कर दो, तो ये 3 आयोटा हो जाएगा, और 3 आयोटा का मॉडुलस 3 के बराबर है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन इसका निकालना चाहो तो इस तरह करेक्ट सॉल्यूशन होगा कि देखो एक्स को रियल तो आप नहीं ट्रीट कर सकते, रियल ट्रीट करोगे तो ये 3 नहीं आ सकता कभी भी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक्स को इमेजनरी ट्रीट करते हैं कि लेट कर लो एक्स जो है वो किसी इमेजनरी नंबर के बराबर है वाई आयोटा। तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई आयोटा प्लस 5 आयोटा, ठीक है। आप आयोटा कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा वाई प्लस 5 आयोटा। अब आप इस पे मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रियल का स्क्वायर, रियल यहाँ पे कोई भी नहीं है, 0 है, इग्नोर कर दो। इमेजनरी क्या है, वाई प्लस 5, तो इमेजनरी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई प्लस 5 3 हो जाएगा, यहाँ से वाई की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स का आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। तो अगर कोई सॉल्यूशन करेक्ट होगा इसका तो वो होगा -2 आयोटा, जो यहाँ पे पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये वाला सॉल्यूशन ठीक नहीं है, मेजॉरिटी टीचर्स इसकी मिस्टेक कर रहे हैं सवाल के अंदर। तो मैंने कहा आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 4, मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसका निकालना है 3, 4 का निकालना है। फॉर्मूला क्या था, ये ए है ये बी है, तो फॉर्मूला था ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह -b/a² + b² तो ये जाएगा 9 + 16 = 25, अगेन यहां भी 25, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/25 - 4/25। 16 में बोला हुआ आपको z दिया है और आपको बोला हुआ कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -3 आयोटा + 4, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजनरी का साइन चेंज कर दो, पहले इमेजनरी नेगेटिव था आपने पॉजिटिव कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। 17 में बोला हुआ रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा, तो पहले आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को 3 से करो 3 आयोटा, आयोटा को -2 आयोटा से करो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो रियल पार्ट यहाँ पे 2 है, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे 3 है। आपसे रियल और इमेजनरी पार्ट पूछे हुए थे, तो मतलब आयोटा वाला चक्कर नहीं है, रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 3 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। 18 में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया और उसका मॉडुलस क्या होता है आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी मॉडुलस का ये फॉर्मूला होता है। 19 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 + iota / 1 - iota / 12। वैसे बड़ा सिंपल सवाल है, वरना इन सवालों को सॉल्व करने के लिए थ्योरम होता है, डी मॉयबर थ्योरम, वो अप्लाई करना पड़ता है, वो आप लोगों के लेवल पे नहीं है, लेकिन ये सवाल थोड़ा इजी है, इस पे कोई थ्योरम अप्लाई ना करो वैसे सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड कर लो, फिर उनकी पावर 12 कर देना। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया है, इन दोनों को डिवाइड करने का तरीका क्या है कि आप इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा जी, 1 + iota को 1 + iota से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 2iota + iota² आ जाएगा, 1 + iota 1 + iota ही हो जाएगा 1 + iota² जो इसके बराबर होगा। और नीचे लिखा हुआ 1 - iota 1 + iota, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, नहीं, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सिंपल क्या होगा, 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है,
मतलब रियल पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर करो प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर करो, इस तरह भी आप समझ सकते हो। या अगर आप इस पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो उस तरह भी आपके पास आंसर आ सकता है, या आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वन को वन से करो, वन को एडर से करो। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट में मिक्स नहीं कर देना। थ्योरी में डिटेल में मैंने बताया, मैं अब दोबारा डिटेल में नहीं देना चाह रहा। किसी भी मेथड से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, आंसर टू ही आ रहा होगा, वन प्लस वन टू। ऊपर सॉल्व कर लो, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये वाला वन इस माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा टू आयोटा, नीचे बचा टू, टू से टू कैंसिल, ये सिंपल आयोटा की पावर 12 है, जो हो सकती है आयोटा स्क्वायर की पावर 6, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन की पावर 6 वन ही होता है। और आखिरी है द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर माइनस 7, आयोटा की पावर माइनस 7 बराबर होगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर 3, ये हो जाएगा 6, और एक आप साइड पे इस तरह लिख दो, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 ही होगा, तो ये माइनस इस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, माइनस आयोटा कर देगा इसको, ठीक है। इस माइनस को हम साइड पे कर लेते हैं, असल चीज है 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर है, अभी बताया था 1 अपॉन आयोटा जो है ये बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो 1 अपॉन आयोटा की जगह मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, जब ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में जस्ट आयोटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर, ठीक है। पेज नंबर 70 पे आपको ये सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। क्या लिखा हुआ भाई, पहले एमसीक्यूज में, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर किस तरह बताते हो किसी भी मैट्रिक्स का, पहले रोज बताते हो फिर कॉलम बताते हो, तो अगर एम रोज है और एन कॉलम्स है तो ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन, बोलते एम बाई एन है लेकिन लिखते हैं एम मल्टीप्लाई एन, ऑप्शन नंबर ए। पार्ट टू पे बोला मैं एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई वन, भाई एम बाई वन का मतलब उसका एक कॉलम है, और अगर एक कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। पार्ट नंबर 3 में बोला फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल ए आई जे जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई जे इज इक्वल टू के, फॉर आई आई इक्वल टू जे, ये पूरी डेफिनेशन बच्चों स्केलर मैट्रिक्स की है। अभी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में समझाई थी स्केलर मैट्रिक्स की होती है, तो वहां जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फोर में लिखा हुआ था मैट्रिक्स 7 इज, भाई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है, जरा देखते हैं, रेक्टेंगुलर है, नहीं रेक्टेंगुलर तो नहीं हो सकती क्योंकि एक ही रॉ है एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो ये स्क्वायर हो सकती है वैसे, और ऑप्शन क्या है, अच्छा नहीं वो मैं ऊपर का पढ़ रहा था, सॉरी पार्ट फोर जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें पहला ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी ना, आप इसको रॉ मैट्रिक्स बोलोगे, देखो बोल सकते हो, अच्छा ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है ना, बस सही, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रॉ मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स ही है, क्यों रॉ मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि एक रॉ है, कॉलम मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि एक कॉलम एक ही कॉलम है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि रॉ और कॉलम आपस में बराबर है, उसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे, ऑल ऑफ दिस। वैसे जो इसका अच्छा ऑप्शन है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि रॉ मैट्रिक्स काइंड ऑफ वहां पे आप बोलते हो जब ज्यादा कॉलम हो और एक रॉ हो, या कॉलम मैट्रिक्स आप बोलोगे ज्यादा रॉ हो और एक ही कॉलम है, लेकिन चलो यहाँ बोल सकते हो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 में प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, इस प्रॉपर्टी को याद रखो बिलफर्ट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिससे के, के कोई भी कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, ये बराबर है कि के को आप साइड पे कर दो और ए का ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि नंबर का ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बराबर है, आप के को साइड पे कर दो ए का ट्रांसपोज ले लो पहले, या आप पहले ए को के से मल्टीप्लाई कर दो फिर ट्रांसपोज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो अब सवाल में क्या बोला, ये चीज मालूम कर मेरे को, तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के और आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा के को बाहर निकाल दो इस प्रॉपर्टी के तहत, क्योंकि के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के को अंदर रखो या बाहर रखो बात एक ही है, ठीक है। रही पीछे बात ए बी सी का ट्रांसपोज, तो इसको आप कहते हो रिवर्सल रॉ, ये मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज के अंदर बताया था, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो तीन मैट्रिक्स और आपने उसका ट्रांसपोज देना है तो ये बराबर होगा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से डिस्कस किया मैंने थ्योरी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। पार्ट नंबर 6 में बच्चों दो डिटरमिनेंट को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, पहले डिटरमिनेंट का आंसर है 6, दूसरे का है माइनस 2, तो 6 माइनस माइनस 2 मतलब 8 हो जाएगा सिंपल। 7 में बोला हुआ है इफ ए बी और बी ए बराबर है देन व्हिच वन इज ट्रू वेयर ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, वो कह रहे हैं कि अगर ए बी और बी आपस में बराबर हो तो किस सिचुएशन में ऐसा होता है वेयर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब जरा देखते हैं।
ए में क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने करवाया था कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, या आपस में बराबर होते हैं, रिजल्ट में आइडेंटिटी आता है। तो अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, नोटेशन में फर्क है ना, यहाँ पे नोटेशन में दिखने में आपको इनवर्स नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद बोल दिया कि ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। तो अगर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर बात सही है, जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो वहां पे हमेशा ए बी करो या बी ए करो बात एक ही होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वन ऑफ ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाई अगर एक नल मैट्रिक्स होगी तो रिजल्ट में तो जीरो आएगा आपके पास, रिजल्ट में नल मैट्रिक्स ही आएगी। मतलब अगर कंसीडर कर लो ए मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की होगी नल मैट्रिक्स, तो आप ए को बी से करो या बी को ए से करो, रिजल्ट में नल मैट्रिक्स ही आएगी। ये वही बात है, अगर आप टू को जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो को टू से करो, रिजल्ट में आना जीरो ही है, ठीक है। तो तब भी बात बिल्कुल सही है। सी में क्या बोला है, वन ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब भी ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने अभी बारी पढ़ी थी बात कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करो या आइडेंटिटी को उससे मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, रिजल्ट में आपके पास ए आएगा। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो तब भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा। मैट्रिक्स ए के बारे में बड़ा टेक्निकल सवाल है, ए इज इक्वल टू माइनस सेवन है और आप इस मैट्रिक्स के अंदर ए की एलिमेंट है, आपको बोला डिटरमिनेंट निकालो। यहाँ पे बच्चे ना डिटरमिनेंट को भूल जाते हैं, यहाँ पे वो बचपन में कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पढ़ा था ना बोले आते हैं कि माइनस सेवन का मॉड क्या होता है, सेवन होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। जबकि ये माइनस सेवन कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे ये माइनस सेवन एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, खाली माइनस सेवन होता तो ये मेक सेंस करती बात, ये खाली माइनस सेवन नहीं एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उसके मुताबिक आप डिटरमिनेंट निकालते हो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या वन बाई वन, तो जो वन बाई वन की मैट्रिक्स होती है ना उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, तो जब आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट में वही एलिमेंट आता है। उसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो जो इसके अंदर एलिमेंट है वही इसका डिटरमिनेंट होगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। नाइन में आपको क्या बोला था, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन को फैक्टर ऑफ ए आई जी, को फैक्टर का फॉर्मूला पूछा हुआ है। अच्छा को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर को मल्टीप्लाई करते थे आप वही आई प्लस जे से, क्या अगर वही बात है, अगर आई प्लस जे इवन है तो ये माइनर के बराबर ही होगा को फैक्टर, अगर आई प्लस जे ऑड है तो ये पूरी चीज माइनस होगी जो कि माइनर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली को फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में डिटेल में समझाया। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। टेन में बोला हुआ फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, बच्चों जो भी आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना उसमें डिटरमिनेंट निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, क्या आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, यही होता है ना, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ यही है वैसे तो, 1 2 3 0 4 5 0 0 1, काफी अर्सा हो गया, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, यही होगा 4 1 4 0 0, हाँ। तो जितने भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई या डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, इनका डिटरमिनेंट निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट निकालने का बड़ा आसान तरीका है आप इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 4 से करो 4, 4 को 1 से करो 4, इसका डिटरमिनेंट 4 आ जाएगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई या डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इसमें बस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल एलिमेंट, ये जो लीडिंग डायगनल एलिमेंट है ना इनको मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट आएगा। बी में लिखा हुआ है सम करोगे, नहीं सम करने से नहीं आता, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है, ये नहीं कि हर सवाल में ऑल ऑफ दीज ठीक होगा। 11 में बोला हुआ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे जीरो के बराबर है फॉर ऑल आई लेस देन जे, जब आई लेस देन जे होगा मतलब इसका आई वन होगा जे टू होगा, इसका आई वन जे थ्री, इसका आई टू जे थ्री, बोल रहे हैं कि जब आई लेस देन जे होगा तो मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब आई जब लेस देन जे होगा तो वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये मैट्रिक्स होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप जाना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पे मैंने समझाई थी वहां पे देखना, मैंने इस कंडीशन को समझाया है, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें आई ग्रेटर देन जे होता है ना जिस एलिमेंट्स में वो जीरो होते हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि देखो इसमें आई टू है मतलब रॉ टू है कॉलम वन है,
रॉ थ्री है कॉलम वन है, रॉ थ्री है कॉलम टू है, मतलब रॉ नंबर बड़ा है कॉलम नंबर छोटा है, तो वो सारे एलिमेंट जीरो है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की निशानी होती है। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें आई जो है वो कम होता है जे से, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका ऑप्शन है। तो हमने बोला हुआ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, डायगनल नहीं, डायगनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, डायगनल मैट्रिक्स नहीं होगी, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर भी नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है। जैसे ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसको मैट्रिक्स बना लेते हैं, अब डायगनल तो नहीं है, आपको दिखने में लग रहा है डायगनल तो वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगनल के ऊपर नीचे सब जीरो होते हैं, तो डायगनल तो नहीं है ये, स्केलर भी नहीं होगी क्योंकि डायगनल होगी तो स्केलर आएगा ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट होता है डायगनल का, और डायगनल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ तो डायगनल क्या हो गया, ये डायगनल है, अजीब सा लग रहा है, तो ये क्यों रहा, इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वहां पे डायगनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, डायगनल का कॉन्सेप्ट स्क्वायर के अंदर होता है, तो जितने भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर होंगी लाजमी, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, वो फिर डायगनल मैट्रिक्स होगी। अच्छा 13 में बोला हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक का होगी, मैंने कंडीशन सबकी बताई है, वैसे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। 14 में बोला हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन का होगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 15 में बोला हुआ है ईच डायगनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, इनके डायगनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ये आपको बताना चाहिए, जब भी स्क्यू का वर्ड आ गया ना इसका मतलब डायगनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 16 में बोला हुआ है दो डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है, आपको वैल्यूज निकालनी है, डिटरमिनेंट है ए बी 07 2 3 1 माइनस 9, तो सॉल्व करो, ए को 7 से मल्टीप्लाई करो 7 है, बी तो खत्म हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करो 2 को माइनस 9 से करो माइनस 18, 1 को 3 से करो 3, तो 7a इज इक्वल टू माइनस 21, a इज इक्वल टू माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 3। 17 में बोला हुआ है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स रैंक की डेफिनेशन है, कि जितनी नॉन जीरो रॉज होंगी इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में तो वो रैंक होता है, ऑप्शन नंबर बी। If A is any square matrix, then अगर A बराबर है उसके negative of transpose के, skew symmetric की condition है ये, जो शुरू में मैंने आप लोगों को बता दी थी। 19 में आपसे idempotent matrix की condition पूछी हुई है, तो जो option number C है वो यहाँ पर ठीक है। 10 में आपसे बोला हुआ है कि cofactor निकालो, matrix क्या given है? 20 में sorry, तो ये matrix given है, आपको बोला हुआ है A22 का, ये A22 है, दूसरी रॉ और दूसरे कॉलम में मौजूद है, इसका आपने कोफैक्टर निकालना है, तो आप माइनर निकाल लो पहले, कोफैक्टर बाद में निकालते हैं। माइनर कैसे निकालोगे, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, पीछे बचेगा 104 माइनस 1, डिटरमिनेंट निकालो, 1 को माइनस 1 से करो माइनस 1, ये तो जीरो हो जाएगा, तो माइनर आ रहा है माइनस 1, कोफैक्टर कैसे निकालोगे आप जिस पोजिशन पे 2 पोजिशन पे ना, तो 2 + 2 क्या होता है 4, 4 एक इवन नंबर है, इसका मतलब कोफैक्टर और माइनर आपस में बराबर होंगे, तो को फैक्टर क्या हो जाएगा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पेज नंबर 121 के ऊपर है, एक सेकंड रिकॉर्डिंग मोड लिखा हुआ क्या था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, देखो दो किस्म के सवाल आते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास में ये बताया था कि एक होता है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, और एक सवाल आता है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, जो दो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, आप उन दोनों वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, उस क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आता है, जबकि अगर एक वेक्टर गिवन हो तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, उसी वेक्टर को उसके आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे और आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो जो वेक्टर गिवन है 2i + j - k, इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 √6 आ रहा होगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो √6 से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। MC2 में लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये है ना ऑप्शन नंबर सी एरिया। 3 में लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 4 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, वो कह रहे हैं कि किसके बराबर है,
तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो वो तो गलत है, ए डॉट बी डॉट सी उसकी सेंस नहीं बनती। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसकी सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी के रिजल्ट में आपको कोई स्केलर नहीं मिलेगा, वेक्टर ही मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी जो है इसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा आपको, सवाल आपके पास लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखो तो बी को बाहर निकाला रहा है, तो आप बी को जरा बाहर निकालो। मैंने आपको बताया था कि जब आप बी को बाहर निकालते हो ना, तो सी जो है वो बी की जगह पे आ जाएगा और ए उठ के सी की जगह पे चला जाएगा। ये आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखो ये चीज नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये गलत है। तो वैसे ही आप समझ जाओ कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको सोचो ना तो आप ये रियलाइज कर सकते हो, ना निकाल भी सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी में सी को उन्होंने बाहर निकाला है। तो जब आप सी को बाहर निकालोगे ना, तो बी जो है वो सी की जगह पे आ जाएगा और ए बी की जगह पे आ जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आप इसको सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। और इसको आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप डॉट और क्रॉस कहीं भी लगा सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो और आप इस तरह भी लिख सकते हो। मैटर क्या करती है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना, ये मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट को पहले सॉल्व कर लिया तो फिर वो आगे हो ही नहीं पाएगा। तो क्रॉस और डॉट कहीं भी लगा दो आपकी मर्जी है, लेकिन सॉल्व आपने पहले क्रॉस को करना होता है। तो ये चीज जो है वो इसके बराबर होती है, वही चीज है जो आपने यहाँ पे निकाली है। फोर में फाइव में लिखा हुआ है ए बी आर पैरेलल देन ए डॉट बी, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कॉस आता है, जब दो वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब उनके दरमियान एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल ए बी के बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी के, क्योंकि कॉस जीरो जो है वो वन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है। सिक्स में लिखा हुआ है अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होता है। सेवन में लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड है रूट थ्री, तो आप इसको रूट थ्री से डिवाइड कर दो। जो आई का कंपोनेंट है वो कॉस अल्फा होगा, जो जे का कंपोनेंट है वो कॉस बीटा होगा, जो K का कंपोनेंट है वो cos गामा हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में यूनिट वेक्टर के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ना वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो जब आप इसको रूट थ्री से डिवाइड करोगे ना, तो i के साथ लिखा होगा 1 अपॉन रूट थ्री, j के साथ लिखा होगा 1 अपॉन रूट थ्री और k के साथ लिखा होगा माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। तो ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर। एट में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज डैश टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, मैंने बताया था जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के, तो ऑप्शन नंबर बी। नाइन में आपको पी वन पी टू दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब जो ए वेक्टर है ना जो बराबर है पी वन पी टू के, तो बोला हुआ है उस ए का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, पी वन पी टू कैसे निकालोगे, आपको मैंने बताया था ये बराबर होगा पी टू माइनस पी वन के, तो दोनों पॉइंट गिवन है, आप उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वेक्टर आ रहा होगा ठीक है उस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड तो मैं सब बच्चों का आता होगा ना, तो सॉल्व करना आपके पास आंसर आ जाएगा। टेन में आपको पी और क्यू गिवन है और आपको बोला हुआ है पी माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब पी की वैल्यू गिवन है फोर आई प्लस सिक्स के और क्यू की वैल्यू गिवन है सिक्स आई माइनस फोर जे, और आपको निकालना है पी माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। पी है फोर आई प्लस सिक्स के माइनस क्यू, क्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, अच्छा जी फोर आई माइनस सिक्स आई हो जाएगा माइनस टू आई, फिर जे लिख लो और फिर के लिख लो, जो लाइक टर्म है उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो आप, तो आई जे के की टर्म आ गई। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड बड़ा आसान होता है, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, तो ये फिफ्टी सिक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर रूट फिफ्टी सिक्स। अगर आप कैलकुलेटर में डालो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, रूट फिफ्टी सिक्स असल में ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो कैलकुलेटर में डालोगे आंसर मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा देख लेते हैं। 14 तो ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा टू रूट 14, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। 11 में बोला हुआ फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर एंड ए एंड बी इज इक्वल टू रूट टू, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी,
एंगल दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल निकालने के दो तरीके थे, या तो आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालो या क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये एंगल निकालने का तरीका होता था। अब इस सवाल में एक सेकेंड, इस सवाल अच्छा ये एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट से, क्योंकि उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र किया हुआ है तो मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज किया। एक डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी होता है एंगल निकालने का, ये वाला, लेकिन उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र किया हुआ तो मैं उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। अच्छा उन्होंने बोला हुआ क्या है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, आपको पता है अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड वन होता है। सवाल में बोला हुआ ये चीज, ए क्रॉस बी जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन के बराबर। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये पूरी चीज क्या होगी, वन के बराबर। ऊपर तो वन लिखा हुआ है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, ए और बी का मैग्नीट्यूड रूट टू है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी रूट टू है और इसका मैग्नीट्यूड भी रूट टू है, तो रूट टू को रूट टू से करो आंसर आएगा टू। सिंपल लैंग्वेज में ये बन रहा है वन अपॉन टू, और थीटा निकालना है आपको यहाँ पे। हाँ तो थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर है वन अपॉन टू के, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन टू जो कि 30 डिग्री होता है, मतलब पाई बाय सिक्स। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी 12 में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बड़ा इजी काम है निकाल लेना। 13 में बोला हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है ना अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर भी वही आएगा, पॉइंट है 1, 0, 2, यही पोजीशन वेक्टर भी है इसका, आप इसको आई जे के साथ लिख दो, 1i + 0j + 2k, ऑप्शन नंबर डी। 14 में बोला हुआ है अगर ओ ओरिजिन है और ओपी और ओक्यू आपको दो वेक्टर दिए हुए, देन पी क्यू, देखो मैंने बोला था पी क्यू वेक्टर अगर आपने निकालना है तो दो तरीके से आप निकालते हो, या तो क्यू माइनस पी करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दो पॉइंट पता हो पी और क्यू और आपको बोला जाए पी क्यू वेक्टर निकालो तो आप करोगे क्यू माइनस पी, एक तो ये तरीका होता है। कभी ऐसा होता है क्यू और पी पॉइंट नहीं आपको दिए हुए, इन पॉइंट के पोजिशन वेक्टर आपको दिए हुए, कॉन्सेप्ट वही रहता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू ओ पी का मतलब क्यू और पी के पोजिशन वेक्टर, एक ही बात है, पॉइंट और उसका पोजिशन वेक्टर सेम ही होता है दिखने में, कॉन्सेप्ट का फर्क है दिखने में सेम ही होता है। अगर एक पॉइंट है 1, 2, 3 इसका जब पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर भी यही आएगा 1, 2, 3 जिसको वेक्टर की फॉर्म में आप इस तरह लिखोगे, लेकिन पॉइंट की सूरत में अगर आप देखो दोनों सेम ही लगेंगे आप, ठीक है। तो पी क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या, ओ क्यू माइनस ओ पी, आपको ओ क्यू भी गिवन है सवाल में 14 के अंदर और ओ पी भी गिवन है, सब्ट्रैक्ट करवा लेना आपस में, आपके पास पी क्यू आ जाएगा। 15 में आपको बोला था के क्रॉस जे, अब ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर है, जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर है और के क्रॉस आई जो है वो जे के बराबर है, ये इनका असल ऑर्डर है। तो यहां पर इन्होंने बोला है के क्रॉस जे, जबकि आपको पता है जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई के बराबर हो जाएगा, जब ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस आता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 16 में बोला हुआ है अगर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपस में बराबर है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो लिखा हुआ है देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, जबकि अच्छा इन्होंने डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की सेंस नहीं मानती, इन्होंने डॉट प्रोडक्ट के साथ मैग्नीट्यूड का लगाया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट तो मैग्नीट्यूड ही आता है ना, डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में एक नंबर ही आ रहा होता है, असल तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, असल में उनको ये लिखना चाहिए था कि कंडीशन ये बतानी चाहिए थी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी, इन्होंने ए डॉट बी के साथ मैग्नीट्यूड लगाया है तो मसला नहीं, चलो खैर। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये दोनों चीजें बराबर कब होंगी, जब साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर हो, क्योंकि ए और बी तो आपस में बराबर है ना, ये दोनों चीजें बराबर है, फर्क क्या है इनके अंदर, फर्क है कॉस और साइन थीटा का, तो कोई ऐसा एंगल जिस पे कॉस और साइन बराबर हो, ऐसा कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, अगर आप याद रखो 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं आपस में, साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पे 1/√2 होते हैं, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे, क्योंकि देखो ए बी, सवाल सिंपल ये कि दोनों बराबर कब होंगे, तो दोनों में ए बी आ रहा है, ए बी तो दोनों का बराबर ही होगा, फर्क क्या आ रहा है साइन और कॉस का, तो अगर साइन और कॉस को भी आप सेम कर दोगे तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, और साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब एंगल 45 डिग्री हो, ऑप्शन नंबर
सी पाई बाय फोर मतलब 45। 17 में बोला हुआ है इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट है इसको माइनस कर दो ओरिजिन से, मतलब 0.0.0 मतलब यही चीज आ जाएगी पूरी। आप इसको इस तरह निकाल सकते हो -3, 4, 5, -0.0.0 तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंपल आप माइनस कर दो और उसके बाद वो स्क्वायर कर देना जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला में करते हो और रूट ले लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला ये समझ लो चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा था फंडामेंटल, हाँ 10 में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया था। तो बड़ा आसान तरीके जैसे आप वेक्टर निकालते हो ना वही चीज है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जैसे बोला था इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो आप क्या करो सबसे पहले इस पॉइंट को माइनस कर दो ओरिजिन से, तो आप लोगों को पता फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। ये बेसिकली वेक्टर आया आपके पास, वेक्टर निकालने का तरीका होता था ना, पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या था कि उस पॉइंट को ओरिजिन से माइनस कर दो, तो ये पोजीशन वेक्टर बेसिकली आया। आप क्या करो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वही यहां पे डिस्टेंस होगा। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका आप लोगों को पता ही है, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो सॉल्व कर लो ये √50 हो रहा है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा √50 हो, ऑप्शन नंबर √50 होता है 5√2, ऑप्शन नंबर बी। 18 में लिखा हुआ था वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट गिवन है और आपको वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है टर्मिनल पॉइंट मतलब जो एंडिंग पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट भी आपको पता है -3, 7.4 और इनिशियल पॉइंट है 2, 5.0, सब्ट्रैक्ट करना आपस में आपके पास वेक्टर आ जाएगा। 19 में आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और बोला हुआ है ए डॉट बी 0 के बराबर है, तो बताओ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। देखो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो मैंने बताया था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 इसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ने आपको बता दिया कि एंगल 90 डिग्री है, तो जब आप यहां पे 90 डिग्री पुट करोगे ना तो आपको पता है साइन 90 जो है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये टर्म तो हट जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल ए बी के बराबर हो जाएगा क्योंकि साइन 90 तो 1 के बराबर है। अब a और b की वैल्यू ने सवाल में गिवन की हुई है 10 और 2, तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करो 20, ऑप्शन नंबर डी। और आखिरी ये था नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर, क्या मतलब द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, एक ही होगा इसकी आंसर की लिखी हुई नहीं, एक ही होगा। मैं ये बोलना चाह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ जिस वेक्टर की होती है उसको आप यूनिट वेक्टर कहते हो ना, मतलब उसकी लेंथ, अगर यूनिट का मतलब 1 होता है तो ऐसे वेक्टर जिनकी लेंथ 1 हो उनको यूनिट वेक्टर आप कहते हो। तो कह रहे हैं ऐसे कितने वेक्टर होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी के ऊपर, तो एक ही वेक्टर होता है लेकिन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं वैसे, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, हाँ इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये सिचुएशन इस टाइप की बन रही है क्या आपको पता है, दो वेक्टर जब आप होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना तो रिजल्ट में आपके पास जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वो इस तरह के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर कोई और वेक्टर लिया जाए जो अगर यहां पे है, डायरेक्शन तो सेम ही होगी इसकी, तो अलग नहीं आप बोल सकते उसको, परपेंडिकुलर एक ही होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकते क्योंकि वेक्टर के अंदर अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो वो सेम ही वेक्टर माना जाएगा, लेंथ भी अगर उसकी बन है डायरेक्शन भी सेम है, हाँ इसका आंसर वन ही होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा, बाकी अगर आप बनाना चाहो तो डायरेक्शन सबकी सेम ही होगी, लेंथ भी सबकी वन है डायरेक्शन भी सेम है तो वो अलग माने नहीं जाएंगे। तो दो दो कौन सा सर, नेगेटिव जेड भी तो होगा, द नंबर ऑफ वेक्टर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर, हाँ दो भी हो सकते हैं, हाँ सही है ये बात सही है, दो होंगे कि एक एक डायरेक्शन में होगा और एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन बनेगी नहीं उसकी कोई क्योंकि परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन होगी। अगर फॉर एग्जांपल, हाँ दो सही है, दो यहाँ पे होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये डायरेक्शन है इसकी, ये नीचे दो वेक्टर थे और उनके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन थी, तो अब इसके अगर बिल्कुल यहाँ पे कहीं होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा लेकिन डायरेक्शन सेम ही है ना, दोनों के ऊपर डायरेक्शन होगी, इसको इस तरह रख लेते हैं। अगर हल्का सा भी उसका एंगल इस डायरेक्शन होगी तो वो फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसका मतलब एक आपका अपर परपेंडिकुलर होगा और एक आपका नीचे होगा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन का फर्क होगा, तो दो यहां पे ठीक है।
चैप्टर नंबर फोर में, चैप्टर नंबर फोर सीक्वेंस का पोर्शन था। जितनी बातें आती जाएंगी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया करूंगा। पहले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ। देखो सीक्वेंस को आप एक फंक्शन ले सकते हो, इसकी जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। आप इसके अंदर क्या पुट कर सकते हो, आप इसके अंदर नेचुरल नंबर पुट करते हो, मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, एन जो था, एन की वैल्यूज आप नेचुरल पुट करते थे ना, 1, 2, 3, 4 इस तरह पुट करते थे। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, जिसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो, और जो इसकी रेंज है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, आंसर आपको क्या मिलेगा। वो रियल भी मिलता था, अगर आपने देखा होगा कितनी टर्म्स आपकी रियल होती थी, नेगेटिव भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल मतलब रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर आप ज्योमेट्रिक वाला पोर्शन देखो इस चैप्टर का, तो उसमें ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें आयोटा भी आ रहा था। तो सीक्वेंस की टर्म्स रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, लेकिन जो उसके डोमेन है वो नेचुरल होगी, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। पार्ट एमसीक्यू नंबर 2 में बोला हुआ है इफ एच इज अ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पूछा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। पार्ट 3 में आपको क्या बोला हुआ है, इफ ए एन माइनस एन अच्छा इसके बराबर है A4 14 है तो आपको A5 निकालना है। कंडीशन क्या गिवन है कि an - an-1 इज इक्वल टू n+1, और फिर क्या लिखा हुआ है A4 जो है वो 14 है और आपको यहां पे क्या निकालना है A5 निकालना है। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को इस तरह लिख लो, इसके इस टर्म को ले जाओ और ये n+1 जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है, आप इस टर्म को उठाकर धर लेंगे। आपको पता है आपको चौथी वाली टर्म पता है, आपको पांचवी निकालनी है, तो आप क्या करो सिंपल इस फॉर्मूले में एन की जगह 5 पुट कर दो, तो 5 यहां पे पुट कर दो, 5 यहां पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा A4 और ये क्या हो जाएगा 6। A4 क्या है 14 के बराबर, 14+6 क्या होता है 20, तो पांचवी टर्म जो है वो उसकी क्या आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है एक सीक्वेंस इन विच an+1 - an इज द सेम नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक। बोला हुआ है कि अगर ये चीज सेम हो सब टर्म्स के अंदर, तो उसका क्या मतलब है, अगर आप इसको गौर से देखो ये कॉमन डिफरेंस है, an+1 का मतलब an के बाद वाली टर्म, तो बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, अगर ये नंबर फिक्स है, किसी भी दो टर्म को अगर आप पकड़ो और उसकी बाद वाली टर्म को माइनस कर दो पहली वाली टर्म से और वो नंबर फिक्स आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस जो है वो आपका हमेशा सेम रहता है। तो ये चीज लिखी है सीक्वेंस इन विच दिस चीज इज द सेम नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब जितनी भी टर्म्स हैं पहली दूसरी तीसरी, कोई भी दो टर्म पिक कर रहे हो अगर उसमें ये चीज सेम आ रही है, इसका मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस है, एपी जिसको आप बोलते हो। फाइव में आपको बोला हुआ है an-1 an+1 are in AP, then an is called। ये मीन का कॉन्सेप्ट है, जब तीन टर्म्स अगर आपको याद हो अरिथमेटिक के अंदर है तो दरमियान वाली उनकी मीन होती है, इसी तरह तीन नंबर अगर ज्योमेट्रिक के अंदर है तो दरमियान वाली ज्योमेट्रिक मीन होगी, अगर तीन टर्म्स हार्मोनिक के अंदर है तो दरमियान वाली उनकी हार्मोनिक मीन होगी, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो an यहां पे अरिथमेटिक मीन के अंदर है। सिक्स के अंदर अरिथमेटिक मीन आपको बोला हुआ है सी और डी, सी और डी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, C+D/2, एड कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, ऑप्शन नंबर ए। सेवन में आपको हार्मोनिक मीन निकालने को बोला हुआ है, यार एमसीक्यू नंबर 2 में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला गिवन है, दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो एग्जैक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो 7 MCQs में, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। 8 में आपको बोला हुआ है फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है, ये पूछ रहे हो, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म। अब इस नोटेशन में भी आप लिख सकते हो, हम देखते हैं, ए ऑप्शन जो है वो गलत है, क्यों, ए ऑप्शन में ए एन ऊपर है और ए एन प्लस वन नीचे, वो तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी गलत है, कहने का मतलब ये इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, तो नोटेशन का फर्क है ना, मैटर क्या करता है, बड़ी वाली टर्म मतलब बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म, इस वाले केस में बाद वाली टर्म ये है, ये बड़ी है ना एन प्लस वन, इस वाले केस में बड़ी वाली टर्म ये है, ये ए एन वाली टर्म है, ये ए एन माइनस वन वाली टर्म है, जो बड़ी वाली टर्म है मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो बाद वाली टर्म है वो डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म, ये करना है आपने। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है, ये वाली चीज देखिए भैया, तो ये भी ठीक हो सकता है या किसी सिचुएशन में ये भी ठीक हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है।
नाइन में आपको बोला गया नो ट्रम ऑफ अ जीपी, याद रखो एचपी और जीपी के अंदर कोई भी ट्रम जीरो नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर ए। टेन में लिखा था सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज द फाइनाइट नंबर, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम उसी वक्त पॉसिबल है जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होगी, वरना पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 11 में लिखा हुआ है इफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ ड्रम ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, ये हार्मोनिक की डेफिनेशन है कि अगर किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है तो वो सीक्वेंस हार्मोनिक कहलाई जाएगी। 12 में लिखा हुआ है, अब ये सवाल लॉन्ग का सवाल है, अगर आपको याद हो तो ये आपने लॉन्ग में पढ़ा था, ये सवाल अरिथमेटिक मीन के अंदर भी था, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी था, हार्मोनिक मीन के अंदर भी था। अब उन्होंने बोला हुआ है कि बताओ कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, और अगर आपको याद हो एन की वैल्यू काफी मेहनत से आप निकालते थे, तो अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाती है, वो शॉर्ट ट्रिक याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इजी हल बता देता हूं आपको कि आप एन की वैल्यूज पुट कर लो, जैसे चीज लिखी हुई है ना, लिखा हुआ क्या है कि आपने इसको अरिथमेटिक मीन बनाना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू, मतलब ऐसी एन की वैल्यू पुट करो कि ये फॉर्मूला बन जाए। अब ऐसी एन की कौन सी वैल्यू पे बनेगा, ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एन की वैल्यू जीरो, तो आप जरा जीरो वैल्यू पुट करके देख लो क्या ये चीज ये बन रही है नहीं बन रही। आप एन की जगह जीरो पुट करो, जीरो प्लस वन वन होता है, ये भी वन हो जाएगा। यहाँ पे जीरो पुट करो, ए की पावर जीरो वन, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है। यहाँ पे जीरो पुट करो, बी की पावर जीरो भी वन, तो अगर आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी अपॉन टू, इसका मतलब एन की वैल्यू जीरो यहाँ पे, ठीक है। बिलफर्ज एन की वैल्यू अगर ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ था माइनस वन, जब आप माइनस वन पुट करते हैं तो ये चीज नहीं बन रही होती, तो फिर आप ऑप्शन नंबर बी पे चले जाते हैं। जो ऑप्शन इसको अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट कर रहा है वो ऑप्शन ठीक है, इस तरह मालूम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। वरना इसका लंबा वाला तरीका जो आप एन की वैल्यू निकालते थे वो आपको याद हो काफी लंबा पड़ता था आपको। अच्छा 13 में क्या बोला, तीन टर्म्स आपको दी हुई एपी के अंदर, आपसे बोला हुआ एक्स की वैल्यू निकालो, तीन टर्म क्या है, वन एक्स माइनस वन थ्री, बोला गया तीनों टर्म एपी के अंदर है, इस कंडीशन को रख के आपने एक्स निकालना है। बड़ा आसान तरीका, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इक्वल टू बराबर रहेगा इन दोनों के डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस सेम है, सॉल्व करो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स, माइनस एक्स को लाओ पॉजिटिव हो जाएगा टू एक्स, और माइनस टू को ले जाओ, तो यहां सॉल्व करना x की वैल्यू 3 आ रही होगी, ऑप्शन नंबर बी। 14 में आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है माइनस टू और 8 के दरमियान, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, तो यहां पे एक नंबर माइनस टू है एक नंबर 8 है, ये हो जाएगा माइनस 16, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा 4 आयोटा, माइनस का मतलब आयोटा और 16 का रूट 4, उसका मतलब माइनस टू और 8 के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 आयोटा है। अच्छा आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन दो आती थी प्लस माइनस करके, तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों लिखी हुई है, तो आप दोनों लिख लो, तो एक होगी 4 आयोटा एक होगी माइनस 4 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए। 14 में आपको बोला हुआ है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन है आपको एक, और आपको चौथी टर्म निकालनी है, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ये जनरल टर्म गिवन है और आपको चौथी टर्म निकालनी है, तो आप एन की जगह 4 पुट कर दो, तो इधर भी एन की जगह 4 पुट कर दिए, यहाँ पे भी एन की जगह 4, माइनस वन की पावर 4 पॉजिटिव होगा और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। 16 में लिखा हुआ है अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट, याद रखना इस वाली कंडीशन पे आपकी इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती थी, मतलब उसका सम निकाल सकते थे आप, कोई फाइनाइट नंबर आता था वो जो फॉर्मूला भी था इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप सम निकाला करते थे, तो ये उस वक्त होगा जब ये वाली कंडीशन होगी, इसको आप कहते हो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब कि आपके पास कोई सम आ रहा है, लेकिन इस वाली कंडीशन पे आपके पास सम नहीं आएगा, तो इसको आप बोलते हो डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर बी। अनडिफाइंड अच्छा वर्ड नहीं है, तो बोथ को ऑप्शन नहीं आप लिखोगे, अनडिफाइंड अच्छा वर्ड नहीं, हाँ डाइवर्जेंट ही ठीक होगा यहाँ पे। 17 में लिखा हुआ था हार्मोनिक मीन, अगेन हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला एमसीक्यू नंबर 2 में लिखा हुआ है, पुट करना हार्मोनिक मीन आ जाएगी। 8 में लिखा हुआ है इफ ए माइनस, ये कंडीशन आपकी बुक में है या नहीं, ये उसमें हार्मोनिक में होता है लेकिन मुझे याद आ रहा है आपकी बुक में है नहीं है,
आपकी बुक पे नहीं है, इन्होंने फिर क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? ये पुरानी बुक के अंदर टॉपिक होता था जिसका नाम होता था कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन फॉर एचपी। तो वहां पे होता था, उधर ये मौजूद था बुक के अंदर भी, कि ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ये बराबर था ए अपॉन सी के। इसको आप बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन फॉर एन एचपी। ये उस वक्त होता था जब ए बी सी एचपी के अंदर है, या प्रूफ भी कर सकते हो। तो प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका होता है, अगर ए बी सी एच पी के अंदर है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए पी के अंदर। फिर आप यहाँ पे ए पी की कंडीशन रखना, क्या कंडीशन थी, कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर है, तो सॉल्व करना ये कंडीशन आ रही होगी। तो जब ए बी सी एच पी के अंदर होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर होता है ए अपॉन सी के। इसका एक नाम भी था कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन एमसीक्यू आया तो चलो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिया। वन में लिखा हुआ पेज नंबर 177, आपको एक जनरल टर्म गिवन है और आपको बोला हुआ है 2n निकालो। यहाँ पे ये an लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है a 2n निकालो, मतलब n की जगह पे उन्होंने पुट किया हुआ है 2n। जब आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाए ना, अब आपको कोई भी चीज बोली जाए आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 3n भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे 4n भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2n। तो जहां जहां पे n आ रहा था वहां पे आपने 2n पुट करना है। यहाँ पे n का स्क्वायर था तो 2n का स्क्वायर, तो जाएगा 5 माइनस 6n, 2n का स्क्वायर क्या होगा 4n स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो 8n स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 2 में लिखा हुआ है an माइनस 2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि an माइनस 2 जो है ये बराबर है 3n माइनस 11 के। लिखा हुआ है an निकालो, ये 6 चैप्टर नंबर 4 का है सवाल, चैप्टर 5 में डाला हुआ है। अब an माइनस 2 से आप ये कैसे निकालोगे, अगेन इसका भी बड़ा आसान तरीका है। इसके निकालने के दो तीन तरीके थे लेकिन आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे काम करो, ये जो n माइनस 2 है ना, आपने कुछ ऐसी n की वैल्यू पुट करनी है कि ये an हो जाए। मतलब आप इस वाले फॉर्मूले में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पे आप पुट कर दो n प्लस 2। जब आप n की जगह पे n प्लस 2 पुट करोगे तो n प्लस 2 माइनस 2 ये सिंपल n हो जाएगा। कहने का मतलब ये फॉर्मूला है ना, इसमें आप क्या करो, इस n की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं n प्लस 2, तो यहां पे मुझे पुट करना पड़ेगा n की जगह पे n प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपस में 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा सिंपल ए एन, ये हो जाएगा 3n प्लस 6 माइनस 11, तो 3n माइनस 5 ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक हो जाएगा। एक तो उसका ये तरीका होता है करने का। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे आप पहली और दूसरी टर्म निकाल दो। जब आप n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करो तो पहली टर्म आ जाएगी, आप n की जगह पे 4 पुट करो तो दूसरी टर्म आ जाएगी, तो फिर आप उस पर कॉमन डिफरेंस, ये बाय द वे एपी है ना, सिंपल अरिथमेटिक है। जब भी n की पावर 1 लिखी हुई है तो इसका मतलब अरिथमेटिक वो बन रही होगी, अगर स्क्वायर या क्यूब है तो वो ज्योमेट्रिक या बाकी हो सकती है। तो आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके 3 टर्म निकालो, वहां से कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म से आप जनरल टर्म भी निकाल सकते हो, दो टर्म भी निकाल लो तो काफी है। तो एक वो तरीका होता है, एक तरीका ये मैंने आप लोगों को बताया कि n की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो कि यहाँ पे सिंपल n बच जाए। तो मैंने n की जगह n प्लस 2 पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 2 और सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ये चीज मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी, 1 से लेके 50 तक आपने सम करना है, और सम किसको करना है, सिंपल n। n जो थी ये आपकी एक सिंपल सीरीज होती थी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 50 नेचुरल नंबर का आपको सम करना है। फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, n की जगह 50 पुट करना है। तीन फॉर्मूले मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 में बताए थे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 50 पुट करोगे तो 1 से लेके 50 तक का सम आ जाएगा। तो 50 यहाँ पे पुट कर लेना, देख लेना जो भी आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आती कि 10 से लेके 50 तक निकालो, अब अगर आप यहाँ पे 50 पुट करते तो ये आपको 1 से लेके 50 तक का देता, 10 से लेके 50 तक का ना देता। अच्छा, एक और हल तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में ये चीज आपको नजर आ जाएगी। तो कैलकुलेटर में बड़ी आसानी है, आप 10 से लेके 50 तक का डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपने 10 से लेके 50 तक का निकालना है, तो क्वेश्चंस में हम क्या टेक्निक यूज करते थे,
आप इस फॉर्मूले में सबसे पहले 50 पुट करो, तो ये आपको 1 से लेके 50 तक का देगा। फिर आप हाँ 9 पुट कर दो इसके अंदर, तो ये चीज जो है ये आपको 1 से लेके 9 तक का सम दे रही है। अगर आप 1 से लेके 50 में से 1 से लेके 9 का सम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10 से लेके 50 तक का आ जाएगा। ये उस वक्त है जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, पार्ट फोर में आपको एमसीक्यू नंबर 4 में एक चीज गिवन है, 1/n n+1, और इनको ना उन्होंने ब्रेक किया हुआ है दो फ्रैक्शन के अंदर। ये पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है जो 5.4 में मैंने आप लोगों को सिखाया था। मैं आइडिया दे देता हूँ, इसकी एक मैंने ट्रिक भी बताई हुई थी, मैं वो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर आप क्लास में देखोगे तो मैंने डिटेल में समझाया हुआ था, ट्रिक भी समझाई हुई थी और नॉर्मल मेथड जो है वो भी मैंने समझाया हुआ था। तो बाय द वे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/n और -1/n+1। बाकी आप जाके देख लेना कैसे मुझे पता चला, ये मैंने क्लास में सिखाया था आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। 5 में आपको बोला है nth टर्म निकालो, nth टर्म कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस क्या कि मैंने 1/2 1/5 1/8, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक हार्मोनिक है क्योंकि अगर आप इसको रेसिप्रोकल करो तो एरिथमेटिक के अंदर होगा। तो ये जनरल टर्म निकालने का बड़ा आसान तरीका है, न्यूमिनेटर में सब जगह 1 आ रहा है तो जनरल टर्म में भी 1 आएगा। डिनोमिनेटर में एक अरेथमेटिक सीरीज चल रही है, अरेथमेटिक सीक्वेंस आप बोल दो 2 5 8, तो इसकी सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होगी 2 5 8 की। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d, तो a यहाँ पे 2 है और d यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 2+3n-3, मतलब 3n-1, तो 1/3n-1 ऑप्शन नंबर ए। पार्ट 4 में 6 में सॉरी इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है कि n का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। 7 में n स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, माशाल्लाह। 8 में उन्होंने n क्यूब का फॉर्मूला पूछा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 9 में उन्होंने एक सम का फॉर्मूला दिया हुआ है और बोला हुआ है s(2n) निकालो। ये बहुत बच्चों वाली चीज है, आप इसमें n की जगह पे 2n पुट कर दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर। 2n+1 का होल स्क्वायर आपको किसी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन 8 में ए में लिखा हुआ है 2n+1, सी में लिखा हुआ है 2n-1, जबकि बी राइट ऑप्शन है क्योंकि 2n+1 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो हो जाएगा 4n² + 4n+1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पर ठीक होगा। और आखिरी है 10, उसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, 3 से लेकर 20 तक सम करना है इस वाली जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या है, n की पावर 0, n की पावर 0 का मतलब 1 है सिंपल, उसका मतलब ये है। तो मैंने बताया था जब भी अगर ये 1 से स्टार्ट होता ना तो उसका डायरेक्ट आंसर 20 होता, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 3 से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म मिसिंग है, इसके अंदर 2 टर्म मिसिंग है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो पहली टर्म 1 होती, फिर आप 2 पुट करते फिर 3 आता, उसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म जो है वो स्किप हुई हुई है। तो वैसे अगर 1 से स्टार्ट होता तो 20 आंसर आता है, 2 स्किप हुई हुई है, इसका मतलब अब इसका आंसर आएगा 18। आप इसको वैसे भी गिन सकते हो, 3 से स्टार्ट करो 20 तक जाओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो अगर आप देखो 18 टर्म्स होंगी तो मतलब 18 दफा आपने 1 को ऐड करना है, तो 18 दफा 1 को ऐड करोगे तो 18 आएगा सिंपल। चैप्टर नंबर 5 तक हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए, चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में अगर आप आओ तो सबसे पहला एमसीक्यू जिन्होंने मेंशन किया है, एफ एन इक्वल टू 0, तो इस चीज़ का क्या होगा भाई, एन की जगह आप 0 पुट करो, ऊपर बचेगा 1 फैक्टोरियल, नीचे बचेगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1 ही सिंपल आंसर आ जाएगा इसका। 2 में बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ थ्रो अ डाइस, भाई अगर डाई आप फेंकोगे तो 7 आ ही नहीं सकता, तो 0 प्रोबेबिलिटी है। 3 में लिखा हुआ था फैक्टोरियल फॉर्म, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म क्या होगी, अगर आप इस 12, 11, 10, मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना 9 फैक्टोरियल से, तो ऊपर वाली चीज़ हो जाएगी 12 फैक्टोरियल, नीचे वाली हो जाएगी 9 फैक्टोरियल, तो ये ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी ये अलग चीज़ है, ये इन्होंने देखो इन दोनों में फ़र्क है, ये वाला राइट ऑप्शन है। इस चीज़ को जहन में रखना, 12 फैक्टोरियल/9 फैक्टोरियल ये अलग होता है, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 12/9 का फैक्टोरियल निकालो, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। 4 में लिखा हुआ है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स एन बी अकर इन पी एन क्यू वेज, देन द नंबर ऑफ वेज दैट बोथ इवेंट अकर, भाई सिंपल प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, आप दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि बोथ इवेंट की बात की गई है,
तो इनके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे पी क्यू वेज. फाइव में बोला हुआ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब डेफिनेट ऑर्डर, ये परमोटेशन की डेफिनेशन है, परमोटेशन हो जाएगा. अच्छा जी, सिक्स में बोला हुआ है एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर, वो कॉम्बिनेशन में आता है. सेवन जो है उसमें लिखा हुआ था नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कमेटी इज, भाई टोटल कितने लेटर्स हैं, तीन है, तीन है, तीन है, टोटल नौ है, तो नौ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सी ए की दफ़ा आ रहा है इग्नोर करो, एम दो दफ़ा आ रहा है तो टू फैक्टोरियल, टी दो दफ़ा आ रहा है तो टू फैक्टोरियल, ई दो दफ़ा आ रहा है तो टू फैक्टोरियल, तो नाइन फैक्टोरियल करेक्ट. इसको ब्रैकेट की फॉर्म आप इस तरह लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए नाइन और नीचे टू कॉमा टू कॉमा टू लिखोगे, मैंने बताया था ये इसकी करेक्ट नोटेशन होगी. एक सेकंड यहाँ पे. हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एट सेवन सिक्स इज इक्वल टू, ये अब इसको आप कन्वर्ट कर दो सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो वही कॉन्सेप्ट है, एट सेवन सिक्स है ना, मैं यहाँ पे चलो साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ. जैसे एट सेवन सिक्स है ना, तो एट सेवन सिक्स इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो फाइव फैक्टोरियल से, तो एट सेवन सिक्स फाइव ये हो जाएगा सिंपल एट फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल. इसको कैसे लिख सकते हो, एट माइनस 8 माइनस थ्री फैक्टोरियल, 5 को आप लिख सकते हो ना 8 माइनस थ्री, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया 8p3 का फॉर्मूला. और फॉर्म में भी आप इसको शायद लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है ये आसानी से बन रहा है 8p3, जो कि आपको ऑप्शन में भी नज़र आ रहा है, ऑप्शन में 8p3 लिखा हुआ है. 8c3 यहाँ पे नहीं होगा, 8c3 तो सिंपल होगा ना, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये 8c3 होगा, लेकिन ये चीज़ जो है ये 8p3 है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा. अच्छा जी, नाइन में लिखा हुआ है इफ़ आर इज इक्वल टू एन देन एन पी आर क्या होगा, भाई देखो एन पी आर क्या है, एन के बराबर है, तो आर की जगह भी आप एन पुट कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये परमोटेशन का फॉर्मूला होता है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, सिंपल आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल. तो ऑप्शन नंबर, अब देखो इनमें इसने वैसे तो ऑप्शन में एन फैक्टोरियल होना चाहिए था, लेकिन चूँकि यहाँ पर एन बराबर है R के, तो n फैक्टोरियल की जगह आप R फैक्टोरियल भी लिख सकते हो इस सवाल के अंदर, क्योंकि n और R आपस में बराबर हैं, तो दैट्स वाई R फैक्टोरियल भी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है, मे बी इन्होंने सवाल में फॉर एग्जांपल NCR अगर पूछते ना, तो NCR का आंसर तो सिंपल 1 हो जाता ना, मतलब अगर R n के बराबर होता है, NCN जो है ना वो सिंपल 1 होता है, n फैक्टोरियल अपॉन R, यहाँ पे n फैक्टोरियल है n माइनस n, तो एन सी एन जो है वो सिंपल 1 के बराबर होता है. तो मे बी इन्होंने सवाल में बोलना चाह रहे हो एन सी आर, तो आंसर इसका 1 हो जाता, क्योंकि देखो अगर एन पी आर है तो आंसर इसका एन फैक्टोरियल मेक सेंस करता है, लेकिन चलो एन और आर आपस में बराबर है, तो आप इसको आर फैक्टोरियल भी लिख सकते हो सवाल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे तो जाहिर सी बात है डिफरेंट है. 10 में बोला हुआ नंबर ऑफ वेज नेकलेस के एन बीड्स का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया हुआ था ये फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी, ये सब थ्योरी में क्लियर कर चुका हूँ. एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेड इज कॉल्ड इवेंट, जो सबसेट है सैम्पल स्पेस का वो सैम्पल स्पेस तो नहीं होगा ना, खैर तो आप उसको क्या बोलोगे, इवेंट बोलोगे, कि भाई अगर आपके पास डाई है उसका सैम्पल स्पेस ये है पूरा. ठीक है, अब इसका कोई भी सबसेट लेते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 आप ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आप इवन नंबर ले लेते हो, ये सब इसके इवेंट्स कहलाए जाएंगे. ठीक है, अच्छा जी, 12 में लिखा हुआ है इवेंट ए एंड बी अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उन इवेंट्स को आप क्या बोलोगे, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, सेट की लैंग्वेज में इसको डिसजॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पे आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हो. ठीक है, 13 में लिखा हुआ है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड एंड अ कॉइन इज टॉस ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, भाई देखो जब डाई रोल करते हैं तो टोटल 6 आउटकम होते हैं, वैसे डाई अच्छा वर्ड है, डाइस तो प्लूरल है, और जब कॉइन टॉस करते हैं तो 2 आउटकम है, तो पहले इवेंट को परफॉर्म करने के 6 तरीके हैं, दूसरे इवेंट को परफॉर्म करने के 2 तरीके, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 12 आउटकम बनेंगे यहाँ पे. ये वैसे एक सवाल भी है, उस पर मैंने सॉल्व करवाया है. अच्छा जी, उसके बाद 14 में लिखा हुआ है अगर 2 इवेंट है और उनका इक्वल चांस है आने का, तो उनको आप कहते हो इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब, अगेन थ्योरी में मैंने बताया हुआ है कि ऐसे इवेंट्स जिनका सेम चांस होता है आने का. 15 में बोला हुआ है अगर ई एक इवेंट है तो इफ़ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस देन, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है, या आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला गलत है. ऊपर नंबर ऑफ इवेंट आता है, नीचे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, तो ये उन्होंने उल्टा किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है. ऑप्शन नंबर बी ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके दरमियान होती है. ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर 1 से छोटी होती है, इक्वालिटी नहीं है, जबकि गलत बात है. कितने इवेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है,
कितने इवेंट ऐसे जिनकी प्रॉबिलिटी जीरो होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑल ऑफ दीज देख के फौरन ही क्लिक कर देना, दिखने में आपको तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फ़र्क है, ए और सी गलत है, बी यहाँ पे ठीक है बस। 16 में लिखा हुआ था प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल कॉइन ऑफ टॉस, सॉरी सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन गेटिंग द टेल, क्या प्रॉबिलिटी है, हाफ चांस होते हैं भाई, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो टेल आने के चांस क्या है 1/2, हेड आने के चांस भी 1/2 होंगे। अच्छा जी, लिखा हुआ है 3 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, भाई देखो पहले डाई पे 6 आउटकम आ सकते हैं, दूसरे पे भी 6, तीसरे पे भी 6, 3 डाई को एक साथ रोल किया है तो 6 6 6 मल्टीप्लाई करो 216 बनेंगे, 216 आउटकम बनेंगे। जब दो डाई को आप रोल करते हो तो 36 आउटकम बनते हैं ना, तो अगर 3 को करोगे तो टोटल 216 आउटकम बनेंगे। उसके बाद आपके पास 18 में लिखा हुआ था टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लूज इज, अब देखो सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ जाती है लेकिन जो इसमें लॉजिकल बात लग रही है ना वो यही होगी इसके अंदर कि देखो जब भी मैच खेला जाता है ना, अगर आप मैच स्टार्ट कोई भी मैच जब क्रिकेट का मैच या कुछ भी होता है ना, तो अगर आप स्टैट देखो वहाँ पे आ रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी जीतने की, कितनी दफ़ा आप देखोगे कि मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ और प्रोबेबिलिटी आ रही है कि एक टीम 30%, एक टीम में कल में 70% आ रही है, तो वो प्रोबेबिलिटी किस बेसिस पे बताई जा रही है, एक तो ये बात आपने सीखनी है। वो बेसिस होती हैं कि पुराने जो उनमें मैचेस हो चुके हैं, जो सिचुएशन चल रही है, जो रिसेंट सिचुएशन उस टीम की चल रही है, या पहले उन दोनों टीम्स के दरमियान मैच हुए थे तो क्या उनका आउटकम रहा था, तो उसके बेसिस पे मैच स्टार्ट होने से पहले वो प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि टाई होने के चांसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, आपको लग सकता है कि यार T20 मैच तो अब ख़त्म हो जाएगा पूरा, ये स्टार्ट होने में हमें 2-3 ओवर होंगे, टाई होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट सिचुएशन बन सकती हैं, कितनी दफ़ा सवाल में खुद बोल दिया जाता है कि टाई होने के चांसेस आपको दे दिए जाते हैं, इस सवाल में कुछ डाटा आपको गिवन ही नहीं है, जस्ट आपको बोला हुआ है दो टीम खेल रही हैं, बताओ टीम ए के हारने के क्या चांसेस हैं। तो जब ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं की भी ना, तो लॉजिकल बात यही है कि यार आपने टाई वाली कंडीशन को साइड से निकाल देना जब तक वो आपको बोले ना, जब तक आप वो बोले, क्योंकि देखो किसी सिचुएशन में टाई होगा, किसी सिचुएशन में टाई नहीं होता, मतलब बहुत रेयर है ना कि फॉर एग्जाम्पल T20 का मैच है टाई होना बहुत रेयर है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है कि टाई होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने चांसेस हैं, जब उसका जिक्र नहीं किया हुआ तो उस पॉसिबिलिटी को आपने दरमियान से हटा देना है। अच्छा, अगर बिलफर्स टाई होने के चांसेस भी हैं, अब सवाल है कि आप क्या, एक सॉल्यूशन एक टीचर ने ये बताया हुआ था कि जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, हारने की 1/3 और टाई की 1/3, मतलब फॉर एग्जांपल ए के जीतने के 1/3 चांसेस हैं, बी के भी 1/3 हैं, टाई होने के 1/3, लेकिन ये किसने बताया कि टाई होने के 1/3 चांसेस हैं, तो लॉजिकल नहीं बनती ना, आपने तो 100% को डिवाइड कर दिए 3 के अंदर के 33.33 जीतने के, हारने के, टाई होने के, तो टाई होने के चांसेस ही किसने बताया कि इतने ही होंगे, मैं कहता हूँ टाई होने के चांस 1/6 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये लॉजिकल बात ये कि दो मैच खेल रही हैं तो टाई वाली सिचुएशन को हटा दो जब तक मेंशन ना हो, तो पीछे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब उन दो पॉसिबिलिटी में भी आपने ये अज्यूम करना होगा जब तक मेंशन नहीं है कि 50-50% चांस है, क्योंकि जब तक आपको और डाटा गिवन नहीं होगा आप कैसे बता पाओगे। अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच अगर चल रहा है तो उसमें तो आप स्टैट देख के बता सकते हो ना पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं, अब जो भी फॉर्मूला लगा के आपने लगाना है लेकिन बता सकते हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कौन सी मैच खेल रही है, ना कोई कंडीशन दी हुई है, तो बस आपने यही एज्यूम करना है इसके अंदर कि दो मैचेस खेल रहे हैं, दो टीमें एक मैच खेल रही हैं और उनके जीतने के चांसेस इक्वल हैं, 50-50% चांसेस हैं, जिसको फ्रैक्शन में आप लिखोगे 1/2 1/2 है, तो टीम ए के जीतने के चांसेस हैं 1/2, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हारने के चांसेस बताओ, तो हारने के चांसेस भी 1/2 होंगे, क्योंकि जीतने के चांसेस 1/2 हैं, इसको 1 में से माइनस कर दो। आप लोगों को याद हो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बताई थी कि किसी इवेंट होने के चांसेस है 1/2, उस इवेंट ना होने के चांसेस क्या होंगे 1 से माइनस कर दो, ठीक है, तो हारने के चांसेस भी क्या होंगे यहाँ पे 1/2 होंगे, तो ये वो सॉल्यूशन है जो यहाँ पे ऑप्टिमल बैठ रहा है। 90 में लिखा हुआ है NC6 बराबर है NC12 के, अच्छा इनके मेथड भी होते हैं, आप प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन देखो ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता, मैंने तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए पुट करके चेक कर लिया था कि 18C6 इज इक्वल टू 18C12, ये लॉजिकल है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस के अंदर, 18C6 बराबर होगा 18C18-6 के, जो कि 12 के बराबर है, 18-6 12 के बराबर होता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपस में बराबर होंगी। इसका एक मेथड भी है जो आपने क्लास में पढ़ा था, ये जनरलाइज मेथड है कि NC6 को आप लिखोगे NCN-6, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे N-6 को आप 12 के बराबर रखोगे, यहाँ से N की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये फॉर्मूला आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, ये फॉर्मूले से भी निकालो लेकिन डायरेक्ट इसमें आपको नजर आ सकता है कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है द जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन, इसकी आपको जनरल टर्म बतानी है भाई, ये थ्योरी में भी आपने पढ़ा था, जनरल टर्म होती है NCR, पहली टर्म ए है तो ए की पावर N-R, दूसरी एक्स है तो एक्स की पावर आर, ये जनरल टर्म है, इसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इसकी जनरल टर्म काफ़ी आसान है, आसानी से आप मेंशन कर सकते हो, सिंपल दोनों पॉजिटिव ही हैं।
अगर तो यहाँ पे कोई नेगेटिव आ रहा था ना, a माइनस एक्स होता, तो फिर आप एक टर्म एक और इंक्लूड करते माइनस वन की पावर r, वो भी आ सकती थी इसके अंदर। बहरहाल टू में बोला हुआ था नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, भाई टोटल जो भी पावर होती है ना उससे एक ज़्यादा टर्म होती है, तो पावर 2n है तो 2n प्लस 1 इसके अंदर टर्म्स होंगी। थ्री में बोला हुआ इन द एक्सपेंशन, ये सब मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, a प्लस एक्स की पावर n द एक्सपोनेंट ऑफ x, वो कह रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ x क्या होगा, डिक्रीजिंग फ्रॉम n टू ज़ीरो। देखो सबसे पहले जो दूसरी पहली टर्म जो होती है ना, अगर आप बाइनोमियल को एक्सपेंड करो तो आप देखोगे सबसे पहली टर्म में इस वाले की मैक्सिमम पावर होती है, फिर इसकी पावर गिरती जाती है और x की पावर बढ़ती जाती है। तो शुरू में x की पावर ज़ीरो होती है, a की पावर मैक्सिमम होती है, फिर x की पावर बढ़ती जाएगी, a की पावर गिरती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है कि x जो है उसकी पावर ज़ीरो होगी सबसे पहले और इंक्रीज़ करते करते x की पावर n हो जाएगी, और जो a है उसकी पावर सबसे पहले n होगी, डिक्रीज होते होते उसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो उन्होंने x का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मिडिल टर्म का आपसे फॉर्मूला पूछा है, मिडिल टर्म का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ये 2n है ना, मिडिल टर्म का फॉर्मूला बताया था n प्लस 2 अपॉन 2, ये वाली टर्म मिडिल टर्म होती है। तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर 2n है, तो n की जगह पे आप पुट कर दो 2n, ठीक है, ऊपर से आप 2 कॉमन लो, वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n प्लस 1। तो n प्लस 1 टर्म जो है वो यहाँ पे मिडिल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। 5 में बोला हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, कि इस एक्सपेंशन के अंदर ऐसी टर्म बताओ जो इंडिपेंडेंट है x से, ठीक है। अच्छा अगर आप सिंपल पहली टर्म ही देखो ना यहाँ पे, तो उसमें x नहीं आ रहा होगा, क्योंकि किसी भी बाइनोमियल टर्म की पहली टर्म क्या होती है, एन सी ज़ीरो ए की पावर n, ये पहली टर्म होती है। फिर उसके बाद टर्म होती है एन सी वन ए की पावर n माइनस वन, फिर उसके अंदर दूसरी टर्म आ रही होती है, दूसरी टर्म यहाँ पे 2x है फॉर एग्जांपल, तो फिर यहाँ पे 2x आ रहा होता। लेकिन पहली टर्म में यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पहली टर्म है उसमें x नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो पहली टर्म जो है उसमें x की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें x इन्वॉल्व होगा, जैसे दूसरी वाली टर्म में x की पावर 1 होगी, फिर तीसरी में x की पावर स्क्वायर, करते करते आखिर में x की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो बाकी सब टर्म में x आ रहा होगा, तो लॉजिकल बात है कि पहली टर्म में ही x नहीं होगा, बाकी सब में x आ रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद 6 में लिखा हुआ था कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, इसकी लास्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो लास्ट टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हो लास्ट टर्म अगर आप निकालना चाहो यहाँ पे। तो मैंने बताया था एक्सपेंशन में जो आखिरी टर्म होती है ना, पहली टर्म में क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की मैक्सिमम पावर होती है, और आखिरी टर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एक्स, मतलब इसके साथ आपने इंक्लूड करना, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 7, ठीक है। और कोफिशिएंट भी आपसे पूछा हुआ है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 7c7, इसका ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया और जो टर्म है वो आपने लिख दी। तो 7c7 वन होता है, सिंपल ही हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 7, तो अगर आप कोफिशिएंट देखो तो माइनस वन इसका कोफिशिएंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होगा। 7 में देखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ए प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 7 द नंबर ऑफ मिडिल टर्म, इसमें मिडिल टर्म कितनी है, भाई देखो अगर यहाँ पे n ऑड होता है तो 2 मिडिल टर्म आती हैं, अगर n इवन होता है तो 1 मिडिल टर्म आती है, तो यहाँ पे n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 8 में लिखा हुआ है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में डिटेल में बताया था, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट हो या सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट हो, फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1। 9 जो है ये बिल्कुल वही फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये बराबर है 2 की पावर n के, मतलब ये जो यहाँ पे आ रहा है ना वो इन सब के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, सबके ऊपर n n नज़र आ रहा है। तो अगर सबके ऊपर यहाँ पे n प्लस 1 आ जाए, n प्लस 1 सी 1, फिर करते 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 n प्लस 1 सी n प्लस 1, तो अगर आप देखो स्टार्ट ये 0 से होता है और एंड होता है ऊपर जो पावर होती है, ऊपर जो लिखा हुआ होता है इसके, तो यहाँ पे स्टार्ट 0 से हो रहा है और देखो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1। एग्जैक्ट यही चीज़ है, बस यहाँ पे ऊपर n आ रहा होता था तो यहाँ पे भी n, यहाँ पे ऊपर n प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी n प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। 10 में बोला भाई द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, भाई एक्सपेंशन में ये जो अच्छा पावर इसकी 1/3 है तो भाई इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अगर पावर इसकी कोई पॉजिटिव इंटीजर होती तो एक ज़्यादा टर्म्स होती ना, इसमें फ्रैक्शन आ गई है, या अगर नेगेटिव पावर होती है बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर बताया था, तो अब इनफाइनाइट टर्म्स होंगी इसकी। 11 जो है ये पूरा फॉर्मूला है किसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो माइनस 2 का तो नहीं हो सकता, माइनस 1 पावर का होता है, इसमें तो साइन सेम होंगे, इसमें साइन डिफरेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ। 12 में बोला हुआ एक्सपेंशन वैलिड कब है, एक्सपेंशन वैलिड उस वक्त होती है जब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 होने चाहिए। अब रख लेते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, आप ये दो नंबर है ना इन दोनों पे अलग अलग मॉड लगा सकते हो, तो मॉड माइनस 2 पे भी लगेगा, मॉड x पे भी लगेगा, आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो।
माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू टू होती है, वहाँ जाके डिवाइड करवा दो। तो जब तक एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन अपॉन टू होगी, इसकी एक्सपेंशन वैलिड है, वरना एक्सपेंशन जो है वो डाइवर्ज कर रही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, 13 में क्या लिखा हुआ था, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज एन प्लस वन देन एन एस। भैया अगर ये मिडिल टर्म देखो तो ये फॉर्मूला है, जब मैंने बताया था पावर इवन होती है ना तो एक ही मिडिल टर्म होती है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, जब 2 को सॉल्व करोगे वही चीज़ आ रही होगी, 2 एन प्लस 2 अपॉन 2 आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला उस वक्त यूज़ करते हो जब आपके पास एन इवन होता है, क्योंकि एक मिडिल टर्म आती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है, कि इसमें जो एन है ना ये इवन होगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ये इसकी मिडिल टर्म है, मतलब एक ही मिडिल टर्म मेंशन की हुई है और एक मिडिल टर्म आपकी उस वक्त है, और ये फॉर्मूला भी एग्जैक्ट वही है। ऐसा नहीं है कि वो जो दो मिडिल टर्म हैं उसमें से एक मिडिल टर्म आपको गिवन की हुई है तो आप बोल सकते हो जब एन ऑड होगा तो ये वाली मिडिल टर्म होगी। इन्होंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एग्जैक्ट इवन का फॉर्मूला ही है वो, जब नंबर ऑफ टर्म ये एन जो है इवन होता है तब एक मिडिल टर्म होती है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो दैट्स वाई इवन का केस ही ये गिवन है यहाँ पे। और 14 में बोला हुआ है इसकी पावर 8 है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है 2 की पावर n, यहाँ पे n 8 है, 2 की पावर 8 जो कि 256 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 6, 2 की पावर 8, हाँ 256 होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में, देन इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन इफ। भाई ऑन टू फंक्शन क्या होता था कि जो आपके पास फंक्शन की रेंज है ना, जो आपके पास एक होता था ना ए सेट था एक बी सेट था, तो जो बी में जितने एलिमेंट है वो सब रेंज होने चाहिए। मतलब अगर बी बराबर है रेंज सेट के तो आप उसको ऑन टू कहते थे। तो ये रेंज इज इक्वल टू बी जो है ना ये इसका कंडीशन है। रेंज अगर सबसेट हो बी की इसको इन टू सेट आप कहते हो। इमेज इज़ नॉट रिपीटेड, इमेज रेंज को ही आप कहते हो, तो ये 1-to-1 की कंडीशन बन जाएगी। और डोमेन नॉट इक्वल टू ए, ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा ना, खैर क्योंकि पहले सेट के सारे एलिमेंट डोमेन होने चाहिए। तो 2 में लिखा हुआ था ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स इज सिमेट्रिक टू। मैंने बताया था आप लोगों को जब इस वाले फंक्शन में पावर इवन होती है तो ये एक जब ग्राफ बनता है ना तो ये सिमेट्रिक, ये बेसिकली इवन फंक्शन बनता है, और इवन फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर इसकी पावर ऑड होती तो ऑड फंक्शन होता है जो कि सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। 3 में बोला हुआ है एन 1-to-1, खैर आ 1-to-1 होना चाहिए, नहीं एन ही होना चाहिए, खैर पता नहीं इंग्लिश की मुझे वैसे भी वीक है। 3 में लिखा हुआ है एन 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, 1-to-1 फंक्शन का एक और नाम भी होता है यार, इंजेक्टिव होता है ना आई गेस। हाँ वैसे 1-to-1 और इंजेक्टिव में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन चलो शामिल कर लो। बाइजेक्टिव जो है वो 1-to-1 एंड ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव जो है वो आई गेस ऑन टू को कहते हैं, और इंजेक्टिव जो है वो 1-to-1 को कहते हैं। वैसे फ़र्क होता है 1-to-1 और इंजेक्टिव में, ये शायद मैंने थ्योरी में क्लियर किया होगा, लेकिन खैर आप इसको सेम ले सकते हो, 1-to-1 और इंजेक्टिव एक सेम ले सकते हो आप इसको। 4 में लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों कंडीशन अधूरी हैं। एग्जैक्ट बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1-to-1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, जबकि इनवर्स उसी वक्त एग्जिस्ट होगा जब वो 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है। तो बाइजेक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज ने लिख देना। 5 में लिखा हुआ एक फंक्शन है और फंक्शन लीनियर है, वाई इज इक्वल एमएक्स प्लस सी। अच्छा एम एन सी आर रियल नंबर इज, ये लीनियर फंक्शन है। मैंने बताया था जब वेरिएबल्स की पावर 1-1 हो तो लीनियर आप कहते हो उसको, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में अगर आप देखो तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस फंक्शन की रेंज आपसे पूछी हुई, रेंज होता है आपके पास क्या क्या आंसर आएगा। भाई इस फंक्शन में अगर आप ज़रा गौर करो, इस फंक्शन ये एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा मैं अगर इसको ड्रॉ करूँगा ना, मैंने आप लोगों को फंक्शन के अंदर बताया हुआ है, ये ज़्यादातर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको बताया हुआ था, यहाँ पे भी आप लोग सीख सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकता हूँ और उसके बगैर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ड्रॉ करने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, आपने एक फंक्शन पढ़ा था वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह बनता है। ठीक है, जब मैं फंक्शन के अंदर प्लस 3 ऐड करता हूँ ना तो फंक्शन वर्टिकली ऊपर चला जाएगा, अगर नेगेटिव 3 होता तो फंक्शन नीचे चला जाता। तो एज्यूम कर लो अगर ये 0.3 है ना तो आपका फंक्शन इस टाइप का चला जाएगा। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो रेंज आपसे पूछी है, भाई इसका आंसर कभी 3 से छोटा आ ही नहीं सकता, इसका आंसर हमेशा 3 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो रेंज अगर आप इसकी निकालना चाहो, 3 शामिल है तो 3 पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये इसकी रेंज है। ठीक है, और ये वैसे भी आप समझ सकते हो, भाई आप x इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव पुट कर दो, x कुछ भी पॉजिटिव पुट कर दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर आप इसमें 0 पुट करोगे तो 0 होगा, मतलब अगर आप x की जगह 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 के बराबर, तो 3 तो आपको आउटपुट मिलेगा। जब आप x 0 पुट करोगे तो रेंज इसकी 3 होगी, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर के अंदर 3 ऐड करोगे तो वो 3 से ग्रेटर ही आएगा। तो तभी मैंने बोला है कि डायग्राम के बगैर भी आप ये समझ सकते हो कि या तो 3 मिलेगा या 3 से ग्रेटर मिलेगा। 3 से छोटा मिल ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना इनके दरमियान, तब तक नेगेटिव नहीं आएगा 3 से छोटा कैसे मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है।
8 में आपको बोला हुआ है इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है इफ एन इज एन ऑड इंटीजर. मैंने बताया था अगर पावर ऑड हो तो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ऑप्शन नंबर सी. द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन. 10 में लिखा हुआ है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू. अगर ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सिंपल ए होगी. सबसेट ऑफ ए नहीं, मैंने बताया था अगर फंक्शन ए से लेके बी पे जा रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट की डोमेन होनी चाहिए. दो डेफिनेशन, दो पॉइंट थे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब डोमेन हो, और दूसरी थी कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका एक ही आउटपुट होना चाहिए. कि ए के अंदर अगर 10 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट हो, ये नहीं एक एलिमेंट के दो आउटपुट हैं. तो दोनों पॉइंट फंक्शन के अंदर होते हैं. ए का कोई भी एलिमेंट अगर फारिग होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा. तो जो भी ए है वो पूरा डोमेन होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेस्ट रहेगा? सबसेट ऑफ ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे ठीक है, डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी? ए के बराबर होगी. रेंज के अंदर हो सकता है कि बी का कोई एलिमेंट फारिग हो लेकिन डोमेन के अंदर नहीं होता. एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, अच्छा वर्ड है कि एवरी फंक्शन रिलेशन तो है ना. वन टू वन जरूरी नहीं है, इनवर्स जरूरी नहीं है. 12 में लिखा हुआ है एफ एन जी आर इक्वल, एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है एक्स निकालो. अच्छा, अगर दोनों फंक्शन इक्वल है सही, फिर तो ईजी है. इस वाले फंक्शन को इक्वल रखो, 7x माइनस 4 इक्वल रखो जी के, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4x, की वैल्यू आ जाएगी 2/3. 13 में बोला हुआ है इस फंक्शन की डोमेन. डोमेन होता है कि रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. जिन वैल्यूज़ पे जीरो हो रहा है उसको निकाल दो. वैसे तो डोमेन होती है रियल नंबर, लेकिन वो वैल्यूज़ जो मसला कर रही हैं उनको आप रियल नंबर से निकाल देते हो. तो उसमें ए की वैल्यू मसला कर रही है, अगर आप एक्स की जगह 1 पुट करोगे ना तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. तो ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है सिवाय 1 के, 1 नहीं आप पुट कर सकते. तो रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑप्शन नंबर डी. 14 में बोला है फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तो आप मॉड की जगह पे माइनस एक्स पुट करो. इसी तरीके से एक्स स्क्वायर है तो आप माइनस एक्स स्क्वायर करो. ये हो जाएगा मॉड एक्स, ये हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर. फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इज रहा, तो ये इवन फंक्शन है. वैसे भी दो, ये दोनों इवन फंक्शन है, मॉड एक्स भी इवन है और एक्स स्क्वायर भी इवन है. तो जब दो इवन फंक्शन है आप उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट में भी इवन फंक्शन ही आता है. चैप्टर नंबर 9 में बोला हुआ है इफ 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन इस सॉल्यूशन इज. सॉल्यूशन निकालना बड़ा इजी है, माइनस 5 को उधर ले जाओ ये 8 हो जाएगा. तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से ग्रेटर. तो बेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी कि 4, 5 ऑनवर्ड 6, 7, 8 पूरे आ जाएंगे इसके अंदर. 2 में बोला हुआ है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इक्वालिटी. ठीक है, इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन है. देन इट्स x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट निकालना बड़ा इजी है, y की जगह 0 पुट कर दो तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, x इंटरसेप्ट 2 आ जाएगा यहाँ पे. अच्छा जी, 3 में बोला हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5. तो इसका ऑप्शन x ग्रेटर देन 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी. फिर उन्होंने बोला हुआ है x एक रियल नंबर है, ठीक है, और लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5 है. 5 से ग्रेटर का मतलब 5, इन्फिनिटी, और 5 के ऊपर राउंड ब्रैकेट लगी हुई है क्योंकि 5 शामिल नहीं है. अगर 5 शामिल होता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 से ग्रेटर नंबर को. 4 में बोला हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी, फिजिबल रीजन होता है सॉल्यूशन तो आपका ऑप्टिमल ही होता है. 5 में बोला हुआ है सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द लीनियर इक्वालिटी इंक्लूड. एक लीनियर इक्वालिटी है 2x प्लस 3y, इसका सॉल्यूशन इंक्लूड कर रहा है ऑल पॉइंट्स अबव द लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन एंड बिलो द लाइन, ऑल पॉइंट्स बिलो द लाइन. अच्छा जी, अब इस लाइन के देखो, मैंने पहले भी बताई थी बात कि पहले तो नॉर्मली आप इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते थे y की फॉर्म में, y को एक तरफ रखो बाकी को उधर ले जाओ फिर आप ड्रॉ करो. लेकिन मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है और y की टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पे लेस देन का साइन है, अगर y पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो भी साइन है उसको आपने कंसीडर करना है. अगर लेस है इसका मतलब सॉल्यूशन इसका लेस होगा, अगर ग्रेटर है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अबव होगा. तो देखो y पॉजिटिव है और ये लेस है, इसका मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन, क्योंकि इक्वालिटी भी शामिल है तो ऑन वाली कंडीशन भी, और लेस है तो इसका मतलब बिलो द लाइन. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है. इसमें देखो ऑन वाला केस नहीं है और इसमें तो खैर अबव है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है. 6 में एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, बोला हुआ है कॉर्नर पॉइंट आपको निकाल दिए सारे, ठीक है, बोला हुआ है फंक्शन इज मैक्सिमम एट. तो आप ये सारे पॉइंट पुट करना इस फंक्शन के अंदर, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर मिल रहा है वो टिक कर देना कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है आपको. 7 में बोला हुआ है डैश आर द एंटिटीज हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल, कॉन्स्टेंट. अच्छा, डैश आर द एंटिटीज़ हुज़ वैल्यूज़ आर टू बी डिटरमाइंड
फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम बाउंड. मैं डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे ठीक होगा. ऑब्जेक्टिव तो फंक्शन है ना, यहाँ पे एंटिटीज वैल्यूज या वेरिएबल्स आपसे बुला हुआ है कि किन की आप वैल्यूज मालूम करते हो. तो अगर आपको याद हो तो डिसीजन वेरिएबल जो होते थे ना एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज आप मालूम करते थे. वो वैल्यूज मालूम करने के बाद आप उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे तो आपको मैक्सिमम आंसर मिलता था. लेकिन असल आप मालूम क्या करते थे, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम है इसमें से मालूम आप करते थे वेरिएबल्स, जिनको डिसीजन वेरिएबल कहते थे क्योंकि उनकी बेसिस पे आप डिसीजन लिया करते थे. एट में लिखा हुआ है डैश स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द, देखो मेन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना जो हमारा गोल हुआ करता था कि यार इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है. तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो स्पेसिफाई करता था गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्विंग द लीनियर प्रॉब्लम लीनियर प्रॉब्लम्स. नाइन में लिखा हुआ है डैश आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन द, ये कॉन्स्टेंट होता है. कॉन्स्टेंट बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस थी जो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में इम्पोज होती थी आप पे, कि इन रिस्ट्रिक्शन को देख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 10 में लिखा हुआ था रीजन ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन आप कह सकते हो. उसके बाद 11 में लिखा हुआ है इन केस ऑफ एंड डैश कॉन्स्टेंट द फिजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन. देखो फिजिबल रीजन स्ट्रेट उसी वक्त होगी जब इक्वल की कंडीशन है, क्योंकि देखो लेस देन और इक्वल टू में लेस वाला रीजन भी आएगा, ग्रेटर देन में ग्रेटर वाला आएगा, मिक्स में तो खैर अलग बात होगी. इक्वल अगर किसी कॉन्स्टेंट में अगर इक्वल की कंडीशन आ गई है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, उसका मतलब इक्वल में क्या होगा, जो वो लाइन है ना उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वही सेटिस्फाई करेंगे. क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होगा, सारे पॉइंट्स जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो लाइन के ऊपर ही होंगे. 2x प्लस 3y इज लेस देन 4 में चलो आ जाता है नीचे वाले सारे पॉइंट, या ग्रेटर में ऊपर वाले आ जाएंगे. अगर इक्वल आ जाए कॉन्स्टेंट के अंदर तो उसके मतलब ये है कि जो फिजिबल आपका रीजन है वो स्ट्रेट पे आएगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर. 12 में लिखा हुआ है ax plus b इज लेस देन और इक्वल टू 0, a b रियल नंबर है इज कॉल्ड डैश लीनियर इनक्वालिटी है. लीनियर ही है, लीनियर इनक्वालिटी आप इसको बोलोगे. नॉन लीनियर इनक्वालिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है. लीनियर इक्वालिटी, इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, लीनियर इनक्वालिटी. उसके बाद 13 में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड. भाई कॉर्नर पॉइंट होगा. देखो मिडिल पॉइंट तो हो भी नहीं सकता, ओरिजिन चीज ही अलग है. फिजिबल पॉइंट नहीं है क्योंकि देखो अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स फिजिबल पॉइंट तो खैर कुछ भी नहीं था. फिजिबल रीजन आपके पास आता था, उसके अंदर जो पॉइंट है उनको आप फिजिबल पॉइंट बोल सकते हो. लेकिन असल कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहता था कि यार वो जो फिजिबल रीजन के अंदर वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना उसी में से कोई आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाएगा आपका, ठीक है. फिजिबल पॉइंट की तो सेंस नहीं बनती, कॉर्नर पॉइंट भी सारे फिजिबल पॉइंट ही हैं. लेकिन असल में उन पॉइंट्स के बारे में पूछा हुआ है जिन पे लाइंस मिल रही हैं. ये देखो वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट, कि फॉर एग्जांपल अगर ये रीजन है, ये पूरा रीजन है, तो इनकी बाउंड्रीज क्या है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री है, तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, कॉर्नर पॉइंट बोलोगे. ये सारे फिजिबल पॉइंट ही माने जाएंगे लेकिन असल वर्ड क्या है, कॉर्नर पॉइंट. उसके बाद 14 में बोला हुआ है सॉल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड डैश रीजन, फिजिबल रीजन. मेक सेंस कर रही है भाई ये बात, इसलिए क्योंकि जो आपके पास रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता था ना उसको आप फिजिबल रीजन बोला करते थे, किसी और क्वाड्रेंट में फिजिबल रीजन नहीं कहलाता. फिजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है क्योंकि जो आपने कंस्ट्रेंट लगाए हुए होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन होती है उनकी. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है. 15 में बोला हुआ है फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करें. 16 में बोला हुआ था फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता था कि जो किसी भी पहली बात ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर ही होता था, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन होता था जो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता था जो आप चाह रहे होते थे कि यार ये सारे कॉर्नर पॉइंट है इसमें से एक पॉइंट है जो फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है यार वो पॉइंट फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा है, जो भी आपको चाहिए तो उसको आप बोल देते हो ऑप्टिमल सॉल्यूशन. क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले है कुछ, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है. अच्छा जी 2 में बोला हुआ है एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है ये, अभी सारे देख लेना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. साइन 90 प्लस थीटा जो है फंक्शन चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 90 पे फंक्शन चेंज होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है. ऑप्शन नंबर ए कॉस थीटा. कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस में ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा ऑप्शन नंबर डी. यार वे चीज़ें मैंने बताई हुई हैं क्लास में, अगर किसी को नहीं पता देख लेना. टेंजेंट पाई प्लस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो टेंजेंट थीटा आंसर हो जाएगा.
कॉस 2π प्लस थीटा, 2π पे फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव ही होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉस थीटा। साइन 540 डिग्री इज इक्वल टू, भाई ये तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, इसको अच्छा बगैर कैलकुलेटर के भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा पूरा 360, ये हो जाएगा 360 के बाद 450, 450 के बाद ये होगा 540, तो 540 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा साइन जीरो होता है, तो यहाँ पे भी साइन जीरो होगा। ये चीज़ अगर आप कैलकुलेटर से निकालो तो कैलकुलेटर भी आपको बता देगा ज़ीरो। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस साइन माइनस 300, ये भी यार कैलकुलेटर से निकालना है, इसकी ट्रिक भी मैंने डिस्कस की हुई है, टाइम ज़्यादा होगा देख लेना आप लोग। अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर अल्फा बीटा गैमा ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखो अगर ट्राइंगल के तीन एंगल गिवन है अल्फा बीटा गैमा, तो आपने पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आप एक काम करो, ये जो गैमा है इसको उधर ले जाओ, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस गैमा के बराबर हो जाएगा। तो जो साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, ये असल में बन जाएगा साइन 180 माइनस गैमा, और 180 माइनस गैमा क्या होगा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन ही रहेगा। 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है साइन गैमा। कॉस का डबल एंगल फार्मूला पूछा हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑल ऑफ दिस। साइन का हाफ एंगल फार्मूला पूछा हुआ है, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2, ये इसका हाफ एंगल फार्मूला है। कॉस 3 अल्फा का फार्मूला मुझे याद नहीं है, कोई होगा इसमें से देख लेना कौन सा। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये असल में नॉर्मली फार्मूला है, मशहूर है कॉस यू माइनस कॉस वी में, एक ही बात है, कॉस यू माइनस कॉस वी आ जाए या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ जाए, अल्फा बीटा का फ़र्क है, फार्मूला सेम ही रहेगा, इसमें माइनस आता है। हाँ तो माइनस टू साइन, ये वाला फार्मूला ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 14 में लिखा हुआ है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इस पे आप लगा देना वो वाला फार्मूला साइन अल्फा साइन बीटा का, साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या फार्मूला था, माइनस 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला था। तो माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा 7 थीटा, ये ऐड करो तो 9 थीटा हो जाएगा, कॉस 9 थीटा माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो कॉस 5 थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 से मतलब ये तो इस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ना, ये पूरी चीज़ जो है ये इसके बराबर है, लेकिन इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करो ये हो जाएगा कॉस, माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये चीज़ आ जाएगी कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। अच्छा इसमें कोई मसला हो तो देख लेना कभी, मे बी फार्मूला मुझे याद ना हो, फार्मूला तो यही है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन चलो मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला कहाँ पे है, मिस्टेक ना हो जाए ना, ये कॉस थीटा का फार्मूला ही लिखा हुआ है, दे कॉपी कर लेना आप लोग। साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया होगा, नहीं अच्छा जी, साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला ये है, साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ सेम सही फार्मूला लिखा है मैंने। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है एन अलाइड एंगल टू थीटा इज, थीटा से अलाइड एंगल क्या होगा, 270 प्लस थीटा, हाँ क्योंकि 90 के मल्टीपल होना चाहिए ना, तो 60 45 30 90 के मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 60 में लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस 2π इज इक्वल टू, कॉस अल्फा माइनस 2 में आप माइनस कॉमन ले लो, इस तरह समझ लो, जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे ये हो जाएगा 2π माइनस अल्फा, ये सिचुएशन बन जाएगी। आपको पता है कॉस के अंदर नेगेटिव आए तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो ये सिंपल हो जाएगा कॉस 2π माइनस अल्फा, तो 2π पे फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉस कॉस ही रहेगा, 2π माइनस अल्फा ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस अल्फा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन 7π, भाई साइन 7π साइन में कोई भी पाए आ जाए ना, मतलब साइन 1π साइन 2π साइन 3π 4π 5π 6π सब पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, मतलब पाए का कोई भी इंटीगर मल्टीपल होगा ना, अगर वो साइन के अंदर लिखोगे तो वैल्यू उसकी जीरो होती है, क्योंकि सब एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं, जीरो पॉजिटिव पे, पाए नेगेटिव पे, 2π पॉजिटिव पे, 3π नेगेटिव पे, 4π पॉजिटिव, 5π नेगेटिव, तो इन सब पे साइन जीरो होता है। 11 पे सारे फॉर्मूले हैं, ये आप याद रखोगे तो मेरे ख्याल में MCQ में मसला नहीं होगा, फॉर्मूले इन्होंने मेरे ख्याल में मोस्टली पूछे होंगे। लिखा हुआ फ्रॉम टॉप ऑफ अ क्लिप 80 मीटर हाई है, भाई हाइट उसकी 80 मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से एक बोट की तरफ हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अल्फा है, चलो इन्होंने अल्फा लिखा हुआ है, तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये पूरा अल्फा है, ये अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा बन रहा होगा। अच्छा
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द फुट ऑफ क्लिफ इज, भाई ये बोट है और ये पूरा क्लिफ था, इसकी हाइट 80 मीटर थी, ये पूरा डिस्टेंस उन्होंने सवाल में गिवन किया हुआ है 80√3 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस हाइट क्लिफ की दी हुई है, और आपको यहाँ पे अल्फा निकालना है। तो ये बेसिकली बेस है और परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप टेंजेंट यूज़ करोगे। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 80 से 80 कैंसिल, 1/√3 आपको अल्फा निकालना है। तो टेंजेंट अल्फा बराबर है 1/√3 के, अल्फा कैसे निकालोगे, टेंजेंट को उधर ले जाना, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 होता है 30 degree, जिसको आप लिखते हो पाई बाई 6। तो ये इसी तरह बेसिक सा फॉर्मूला है। टू सॉल्व एन ऑब्लिक ट्रायंगल वी यूज लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, तीनों यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अ सर्कल विच ट्रेसेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, भाई इन सर्कल की डेफिनेशन है, इन सर्कल, हाँ हाँ, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड साइड को टच करेगा, इन सर्कल। बीटा गिवन है, बी स्क्वायर बिकम्स, अच्छा अगर बीटा 90 है तो कॉस बीटा क्या होगा, मतलब इस फॉर्मूले में उन्होंने बोला हुआ है कि अगर बीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, पीछे बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेसिकली एक पाइथागोरस थ्योरम है, क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, तो जो लॉ ऑफ कोसाइन है ना पूरा, ये बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जी मुझे याद नहीं है, देख लेना, आई गेस या तो ये साइन का फॉर्मूला होगा या कॉस का होगा, तो ये साइन देख लेना, इसमें से ये फॉर्मूले सब मेंशन किए मैं, आप लोग नोट कर लेना। इसी तरह ये भी फॉर्मूला देख लेना, मुझे याद नहीं है, एस का फॉर्मूला ये होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो भी पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है, 2 से डिवाइड कर दो सेमी पेरीमीटर, एस का फॉर्मूला है। ये तो टेंजेंट का होगा, अब आई गेस टेंजेंट बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला है, देख लेना आप लोग, इस फॉर्मूले को भी देख लेना। वी कैन सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल इफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर नोन, थ्री साइड्स आर नोन, टू साइड एंड देयर इंक्लूड एंगल आर नोन, भाई इन सब केसेस में आप ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक ही केस है जिसमें सॉल्व नहीं कर सकते, वो केस होता है कि अगर तीनों एंगल आपको गिवन हो। इन रेडियस का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये रेडियस का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 AB साइन गैमा, ये तो गलत है, 1/2 से ये भी गलत है, 1/2 AB ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। हीरोज फॉर्मूला ये वाला है, सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, सरकम सर्किल की डेफिनेशन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ये सरकम सेंटर की डेफिनेशन है, सब बता चुका हूँ। रेडियस ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, सरकम रेडियस, वो कह रहे हैं ऐसा सर्किल, मतलब ऐसे सर्किल का रेडियस जो सर्किल पास कर रहा है ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस से, तो ये सरकम सर्किल होता था जो ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस से पास कर रहा होता था, ठीक है, उसके रेडियस को सरकम रेडियस आप कहते हो। ए बी सी आप पूछा हुआ, ए बी सी किसके बराबर होगा, तो अगर आपको याद हो कैपिटल आर के फॉर्मूले में आता था ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा को आप उधर ले जाओ, तो ए बी सी बराबर हो जाएगा आर टाइम 4 डेल्टा, ये है 4R डेल्टा, इस तरह कर लो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन सेंटर की डेफिनेशन है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन, अच्छा ये क्लास में भी आपने सवाल सॉल्व किया था, ये सवाल बल्कि यहीं पे गिवन है, ये सवाल है यहाँ पे, आर वन आर और आर का रेशो क्या है 3:1, एग्जैक्ट वही पूछा हुआ है इन्होंने, नहीं फ़र्क है, देखो इन्होंने आर वन आर और आर गिवन था, यहाँ पे आर आर और आर वन गिवन है, तो रेशो उल्टा हो जाएगा, अगर ये चीज़ गिवन होती तो 3:1 था, इन्होंने उल्टा गिवन है, इन्होंने आर कैपिटल आर और आर वन बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो आप उल्टा कर दो 1, 2, 3 कर दो आप इसको, ठीक है, क्योंकि आर वन के 3 हिस्से थे और स्मॉल आर का 1 हिस्सा था, तो आर वन के 3 हिस्से स्मॉल आर का 1 हिस्सा, कैपिटल आर के तो 2 हिस्से थे ना, वो तो सेम ही रहेगा, तो 1, 2, 3 यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अभी आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको इस तरह याद रखो कि जो आर वन है वो बड़ा हिस्सा है उसका, आर छोटा है आर वन बड़ा है, तो खुद ही समझ जाओगे, जहाँ पे आर वन आ रहा है वहाँ पे 3 लिख देना, जहाँ पे आर आ रहा है वहाँ पे 1 लिख दोगे, और कैपिटल आर तो 2 रहेगा। सर्कम रेडियस पर कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। सबसे पहले MCQs में लिखा हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डोमेन इज, देखो इसमें अब इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ऐसा नॉर्मली ये नोटेशन यूज़ होती है, जो आपने आई गेस 12.4 के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे आप ये फंक्शन को 1:1 बनाते थे, तो नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको स्मॉल से आप लिखते हो, लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूँ ना, तो ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रिंसिपल साइन फंक्शन जिसकी डोमेन आपने रिस्ट्रिक्ट की भी होती थी, तो अगर तो इनका कैपिटल एस से वो मुराद है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पे। लेकिन देखो इनको यहाँ स्पेसिफाई करना चाहिए था कि साइन फंक्शन आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग इस डोमेन, उसके बाद बताओ इसके डोमेन क्या है, तब तो मेक सेंस करता है। बी और सी तो वैसे भी ठीक नहीं है, अब डी नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि वैसे अगर आप साइन की डोमेन देखो, साइन की डोमेन तो सब रियल नंबर होती है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो इन्होंने खुद ही स्पेसिफाई नहीं किया, अब मेरे ऊपर छोड़ दिया, मैं क्या यहाँ जवाब दूँ,
तो मैं कहूँगा कि यार ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्योंकि कैपिटल एस लिखा हुआ है। अगर ऐसे एम सी क्यूज पेपर में आ जाता तो एम सी क्यूज के आगे लिख देना कि आई एम एज्यूमिंग जो साइन फंक्शन गिवन है वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है जिसकी डोमेन रिस्ट्रिक की हुई है। तो ये है, वरना तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि साइन एक्स की डोमेन तो सब रियल नंबर होती है। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, अगर रेंज पूछे ना तो जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है या जो नॉर्मल साइन फंक्शन है उसकी रेंज आपको पता है, तो रेंज का तो मसला नहीं है। डोमेन अगर गिवन हो तो जाहिर सी बात है डोमेन रिस्ट्रिक्ट की भी होती है। तो अब ये रिस्ट्रिक्ट करने से पहले वाली पूछ रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट करने के बाद पूछ रहे हैं, तो लॉजिक तो ये कहती है, अब ये बुक में मैंशन किया हुआ नहीं है कैपिटल एस वाला, ये टेंजेंट के अंदर शायद आपको मैंने जब पढ़ा था ना तो टेंजेंट के अंदर तो ये चीज़ मैंशन थी। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ, बोला भाई डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ये टेंजेंट के अंदर उन्होंने मैंशन किया हुआ है कि वाई को कैपिटल टी लिखा हुआ है उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि हर जगह इन्होंने टेंजेंट के साथ कैपिटल टी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, हम देख लेते हैं शुरू में। नोटेशन होती तो है कि प्रिंसिपल को आप नॉर्मली कैपिटल से मेंशन करते हो, तो क्या उन्होंने शुरू की एक्सरसाइज में जब टेंजेंट का जिक्र किया है, देखो यहाँ पे स्मॉल टी इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि इस नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं कि कैपिटल टी का मतलब प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बोला हुआ कॉस एक्स की रेंज बताओ, तो कॉस और साइन की रेंज क्या होती है, माइनस वन और वन के दरमियान होती है, जिसमें माइनस वन भी शामिल है वन भी शामिल है। टेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन आपसे पूछी, और अगेन देखो कैपिटल है, अच्छा ये इनवर्स है, तो जो इनवर्स है ना अगर आपको याद हो टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उसकी डोमेन सब रियल नंबर होती है, ठीक है। जो सिंपल टेंजेंट फंक्शन था ना उसकी डोमेन में मसला है, लेकिन टेंजेंट इनवर्स की डोमेन में मसला नहीं है। अगर आपने टेबल देखना है तो ये मैं बता देता हूँ, इनवर्स का टेबल आपको नज़र आएगा कहाँ पे, पेज नंबर ये है, नहीं ये तो सिंपल है, ये पेज नंबर 374-375 पे सब लिखा हुआ है। 374 पे ये प्रिंसिपल की रेंज है, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये पढ़ लेना, शायद इन्होंने कि मेंशन किया हो कि प्रिंसिपल को कैपिटल एस या से रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे मिला नहीं था, शायद इन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ यहाँ पे। बहरहाल तो ये है इनवर्स, जितने भी हैं उन सब की डोमेन रेंज है, ये रिस्ट्रिक्टेड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज है, और एक था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज, वो आपको शुरू में नज़र आ जाएगी, वो होगी ये पेज नंबर 338 पे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज है। बाला टेंजेंट इनवर्स की पूछी हुई है तो देखना रियल नंबर है। ये सेक इनवर्स की रेंज पूछी हुई है, यार मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं था, मे बी शायद ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, क्योंकि नहीं इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हाँ रेंज पूछी हुई है तो ऑप्शन नंबर ए आई गेस ठीक है, फिर भी कंफर्म कर लेना, मुझे ऑप्शन नंबर ए ठीक लग रहा है इसके अंदर, मेरे जहन में नहीं है, सोचूंगा टाइम काफ़ी ज़ाया होगा। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, पहले भी बताया था मैंने, ये चैप्टर नंबर 8 में भी पॉइंट आया था। उसके बाद 6 है कॉट इनवर्स एक्स का पूछा हुआ है, देखो कॉट इनवर्स एक्स के वैसे एक और फॉर्मले भी होते हैं, कॉट इनवर्स एक्स जो है वो इसके बराबर भी होता है, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स के, या एक और भी होता है अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर एक्स नेगेटिव है तो पाई भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन ये कहीं ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसमें एक और फॉर्मूले भी होते हैं, ये मुझे नहीं याद बुक में कहीं मेंशन है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये पढ़ाया था, शायद बुक में मेंशन हो कहीं या शायद ना हो, वो ये है कि जो इनके को फंक्शन है ना, को फंक्शन का मतलब साइन कॉस टेंजेंट कॉट सेक कॉसेक, इनके इनवर्स को अगर आप ऐड करते हो ना तो रिजल्ट पाई बाय टू आते हैं, जैसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ऐड करोगे रिजल्ट पाई बाय टू आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ऐड करोगे पाई बाय टू आएगा। तो वही चीज़ है कि इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स ये होगा पाई बाय टू के बराबर, तो टेंजेंट इनवर्स को उधर ले जाना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 7 में बोला हुआ है सेक साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, अच्छा ये तो चीज़ डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो, कैलकुलेटर में सेक का बटन नहीं है तो आप वन अपॉन कॉस करके पुट कर लेना, कैलकुलेटर में इस तरह पुट करना वन अपॉन कॉस साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, बस ये ध्यान में रखना कि आपका जो कैलकुलेटर है ना वो नहीं सही है, मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेटर अगर आपका डिग्री के अंदर है तो इस पूरी चीज़ का आंसर डिग्री आएगा और कॉस का कोई भी आंसर आ जाएगा। अच्छा साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू जो है ना ये क्या होगा, माइनस वन अपॉइंट टू का मतलब है कि नीचे होगा ये माइनस वन अपॉइंट टू, हाँ ये होगा माइनस 30 डिग्री, तो माइनस 30 पे आता है, हाँ तो ये माइनस 30 हो जाएगा, कॉस 30 जो है वो होता है रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 आ रहा है शायद, 2 अपॉन, हाँ सही है 2 अपॉन रूट 3 है। भाई देखो मैंने जल्दी कैलकुलेट किया, मुझे 2 अपॉन रूट 3 लग रहा है, मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे ना तो शायद रूट 3 नीचे ना आए, कैलकुलेटर में पता क्या आ रहा होगा, 2 अपॉन रूट 3 को वो रैशनलाइज कर देंगे रूट 3 अपॉन रूट 3 कर देंगे, तो 2 रूट 3 अपॉन 3 शायद कैलकुलेटर में आंसर आ रहा हो, मैं एहतियातन चलो पुट भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। कॉस कॉस के बाद आप लिखो साइन इनवर्स माइनस 0.5, तो आंसर आ रहा है, हाँ देखो कैलकुलेटर में ही आंसर आएगा क्योंकि कैलकुलेटर उस रूल को फॉलो कर रहा होता है ना, डिनोमिनेटर में रूट ना आए। तो खैर इधर तो ये आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे देखो ये ऑप्शन मिलेगा नहीं,
अगर वैसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन आपको मिल रहा है 2/√3। आप आंखें खोल के आपको देखना पड़ेगा, वरना आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूज़ हो सकते हो। सेम का यहाँ पे करना है, साइन इनवर्स 1/√2 जो होता है 45 होता है, और कॉस 45 1/√2 के बराबर होता है। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ये 12.4 से पहले। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूले सारे मेंशन किए हुए, साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, देख लेना इनको यहाँ से। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो बराबर होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के, ये भी मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताई हुई है बात, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, और तो कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये वाला ये गलत है, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स माइनस वन क्या होगा भाई, माइनस वन टेंजेंट इनवर्स अगर करो ना तो माइनस वन या तो यहाँ पे होता है या यहाँ पे होगा ना, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट इनवर्स निकालोगे तो हाँ तो माइनस 45 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। माइनस 45 भी ठीक है, अगर आप इसके अंदर पाई ऐड करो 3π/4 भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, माइनस पाई बाय फोर भी या 3π/4। कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो -π/4 आ रहा है, लेकिन अगर -π/4 ना नज़र आए 3π/4 नज़र आए वो भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पाई ऐड किया होगा उन्होंने। ये मैंने 12.5 में दिया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट के, जब टेंजेंट नेगेटिव आए इनवर्स में तो आप पाई ऐड कर देते हो। अच्छा, इसको सॉल्व करना है टेंजेंट 2x, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सिंपल टेंजेंट को उधर ले जाना तो 2x बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस वन के, टेंजेंट माइनस वन माइनस पाई बाय फोर होता है, चाहो तो आप इसको पॉजिटिव कर देना, ऑप्शन के मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा, आंसर आपका माइनस पाई अपॉन टू और पाई अपॉन टू के दरमियान आना चाहिए, तो इसका मतलब यही चीज़ अक्लमंदी है, अगर ऐड करोगे तो वो आंसर ग्रेटर हो जाएगा। ये 2x का आंसर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 8, ये x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन तो आपसे नहीं पूछ रहे ना, सिंपल x की वैल्यू पूछ रहे ना, तो माइनस पाई बाय 8 यहाँ पे ठीक है, ये इस रेंज के अंदर आता है जो भी इन्होंने मेंशन की हुई है ना। माइनस पाई बाय 4 ठीक नहीं है, क्योंकि 2x का आंसर माइनस, जब आपसे सॉल्यूशन पूछ जाता है ना, इसका मतलब x की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, 2x की नहीं पूछ रहे। तो अगर माइनस पाई बाय 4 इधर पुट करोगे ना तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, क्योंकि x का सॉल्यूशन चाहिए, 2x का नहीं चाहिए। माइनस पाई बाय 4 उस वक्त ठीक होता जब आपसे 2x का सॉल्यूशन पूछते, तब ये ठीक था, 2x इसके बराबर है, आपसे x का पूछा गया तो माइनस पाई बाय 8। इसका जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछ रहे हैं भाई, ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू, करो तो 2 हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है भाई। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो ना, माइनस 8 को तो ले जाओ, 8 हो जाएगा, 4 को डिवाइड कर दो, तो ये साइन x इज इक्वल टू 2, साइन x कभी भी 2 के बराबर आ ही नहीं सकता, साइन x मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो कह रहे हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ज़रा देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। अच्छा जी, हाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को, सॉल्व करना साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 है, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना तो आंसर कैलकुलेटर में फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, -√3/2 के यहाँ पे होगा, ये है -60°, -60 पे आपको ये आंसर मिलेगा, -60 होता है -π/6, मतलब -60°, सॉरी नहीं -60 होगा -π/3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होगा। कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर आपको सही आंसर देगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपको हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर ही देता है। अब क्यों देता है, ये रीज़न सारी मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है, तो -60 आ रहा है, मतलब -π/3, ऑप्शन नंबर बी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डैश फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और अच्छा ऑप्शन नहीं है, वरना यहाँ पे 1:1 भी वैसे हो सकता है, नहीं 1:1 नहीं, सॉरी 1:1 कैसे होगा, इवन गलत बात है, और बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1:1 होना ज़रूरी है, वो 1:1 थोड़ी ना होते, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 1 सॉल्यूशन ओनली, 2 सॉल्यूशन ओनली, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भाई जनरल सॉल्यूशन का मकसद ही होता है कि जितने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक हैं तो इनफाइनाइट एंगल आ रहे होते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में आप इनफाइनाइट एंगल पूरे लिख रहे होते हो, ऑप्शन नंबर सी। कॉस थीटा का पीरियड 2π। 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सेक एक्स इज इक्वल टू -2 है, सेक बराबर होता है 1/cos के, ठीक है, कॉस को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -1/2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/2। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अल्लाह भला करे आंसर मिलेगा कॉस इनवर्स -1/2, ये कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा होगा, आई गेस 120° है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 120° मिल रहा है, 120° होता है 2π/3। तो एक सॉल्यूशन तो ये है, दूसरा सॉल्यूशन भी आप इसका निकाल सकते हो, आप इसको 2π में से माइनस कर दो, जो सॉल्यूशन आ जाएगा 4π/3। अब कौन सा लिखा हुआ है इसमें से, 2π/3 लिखा हुआ है, अगर 4π/3 भी खाली लिखा होता तो वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि एक सॉल्यूशन पूछा मैंने, आप कोई भी पूछ सकते थे आपसे। कॉस थीटा -1/2 है, साइन थीटा -√3/2 है, थीटा क्या होगा,
भाई ये कैलकुलेटर का ज़माना है, कैलकुलेटर में तो आपको मसला नहीं होगा। वैसे मुझे दिखने में लग रहा है कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हैं, ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कि जब आपका जो एंगल है वो या तो हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बनेगा तो कॉस और साइन नेगेटिव होते हैं दोनों, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें दोनों नेगेटिव हो रहे होते हैं, तो एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। और वैल्यूज़ देखो ना तो ये 60 पे आपको ऐसी वैल्यू मिलती हैं, कॉस 61/2 होता है, साइन 60√3/2 होता है, तो 60 आप बना दो यहाँ पे, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 240 है ये। लेकिन अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप ही कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेटर में थोड़ा मसला हो सकता है आपको। हाँ कैलकुलेटर में अगर आप सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते ना, थोड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि जब आप कॉस इनवर्स आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 2π/3, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल रहा होगा -π/3, दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको सेकंड में मिलेगा और साइन का आंसर आपको फोर्थ में मिलेगा, जबकि आपने दोनों कंडीशन को बैक वक्त पूरा करना है, तो थर्ड में इसका होगा, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा मेथड बताया कि थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है दूसरा एंगल निकाल लेना, इसमें दूसरा एंगल कैसे निकालते हो 2π में से माइनस करके, तो भी आपको पता चल जाएगा 4π/3 है, या इसमें दूसरा एंगल निकालो, दूसरा एंगल कैसे निकालते 2π में से माइनस करते हो, तो सॉल्व करना नहीं ये एंगल तो आपका क्या कहते हैं नहीं सॉरी साइन के अंदर पाई में से माइनस करते हो सॉरी, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 3π प्लस पाई अगेन 4π/3 हो जाएगा। तो जब दोनों के दूसरे एंगल निकालोगे, दूसरे एंगल इनके थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि यार एंगल क्या है 4π/3, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना, ये तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वो एंगल है जो दोनों इक्वेशन को बैकवर्क कर रहा है। तो ये मैंने वर्बली निकाल दिया था, लेकिन अगर इस तरह आप निकालो तो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और भी इसका मेथड हो सकता है यार, फिलहाल मेरे जहन में है नहीं, और मेथड ये हो सकता है मेरे ख्याल में, हाँ टेंजेंट निकाल लो आप, टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा साइन अपॉन कॉस -√3/2 -1/2, कैंसिल करो 2 से 2 कैंसिल, हाँ ये शायद ईजी रहे, टेंजेंट थीटा हो जाएगा √3 और थीटा जो है वो होगा टेंजेंट इनवर्स √3, ये होता है 60 डिग्री। लेकिन अगेन वही बात आपको जहन में रखना है कि 60 डिग्री राइट इसका आंसर नहीं हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है। वो कैसे आपको पता चलेगा, देखो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होता, क्योंकि अगर टेंजेंट 60 डिग्री है, देखो यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है, फर्स्ट में ही एंगल हो नहीं सकता क्योंकि साइन कॉस दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब थर्ड में ही एंगल होगा। और कैसे निकालोगे, अगेन इसके अंदर पाई ऐड कर देना। देखो डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, अब जो मर्जी है आप कर लो। पीरियड निकालना, मैंने आप लोगों को क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, पीरियड क्या होगा 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 मैंने बताया था जो x के साथ लिखा हुआ है, 2π डिवाइडेड बाय जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ 1/2 लिखा हुआ है, सॉल्व करो 4π हो जाएगा। ये 21 में लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ कॉस 5π, देखो ये होता है 0π, ये होता है 1π, फिर 2π, फिर 3π, 4π, 5π, 5π होता है नेगेटिव x एक्सिस पे, और नेगेटिव x एक्सिस पे कॉस की वैल्यू -1 होती है। या आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, बस शर्त ये कि आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर होना चाहिए, तो फिर 5π पुट कर देना, वरना कैलकुलेटर में 5 180 पुट कर देना अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है, तब भी आंसर -1 मिल जाएगा। पीरियड का ताल्लुक 3 से नहीं होता, जो एक्स के साथ लिखा हुआ उससे पीरियड का ताल्लुक होता है, तो सेक का पीरियड होता है 2π, क्या लिखा हुआ है 1/3, तो ये हो जाएगा 6π, ऑप्शन नंबर डी। अगेन टेंजेंट के टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, ठीक है, और x के साथ क्या लिखा हुआ है 7, आप उसे डिवाइड कर दो तो पीरियड हो जाएगा π/7। तो ये सारे MCQs ख़त्म हो गए बच्चों, आगे क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।